चलिए, गुड इवनिंग बच्चों। नीट का पेपर आ चुका है 13 सितंबर। आपके धैर्य और विश्वास की जीत हुई। आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं। 3 मई के बाद आपको 27 जुलाई की डेट दी गई, 26 जुलाई की डेट दी गई, जुलाई के बाद आपको सितंबर की डेट दी गई 13 सितंबर। आपने अपना धैर्य नहीं खोया, आपा नहीं खोया, और बिल्कुल लगनशीलता के साथ, सहनशीलता के साथ पूरी मेहनत आप लगातार करते रहे। 20 दिन का समय अब शेष रह गया है। नए तरीके से, नई शुरुआत के द्वारा हम लोग एक बार रिवाइज करें, कैसे रिवाइज करें इसको देखना है। हम ये मानकर चलते हैं कि 38 चैप्टर हमारी बायोलॉजी में हैं, 90 क्वेश्चंस इनसे आने हैं, और 38 घंटे का एक बिल्कुल सिस्टम तैयार हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 38 घंटे का भी। पहली बार तो मैंने अभी जो टारगेट रखा आपका 38 आवर्स का, लेकिन उसमें सिस्टम क्या डाला है इसको थोड़ा देखने की हमें ज़रूरत है। मैंने क्या किया है बेटा, इस जगह पर हमने आपको बात की है कि मैंने आपको इन सारे क्वेश्चंस को बताया है कि हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ज़रा देखिए बेटा, एक छोटा सा बेसिक बात मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आपके पास एनसीईआरटी है, जिसको आप पढ़ रहे हो, ये पहली बार 2006 में गवर्नमेंट ने पब्लिश किया, यानी पुरानी एनसीईआरटी को बदल करके। तो 2007 से लेकर के 2019 तक लगातार पेपर आए, इनकी संख्या हुई 13। 2 बार पेपर रिपीट हुआ बेटा, 15 में और 16 में, तो टोटल पेपर हो गए, 2 और मिला दो 15। तो 15 बार पेपर लगभग, पहले बेटा 100 क्वेश्चंस आते थे, अब कुछ समय से 90 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो लगभग 1500 क्वेश्चंस आपके पास हैं। कितने क्वेश्चन बेटा, 1500 क्वेश्चंस आपके पास हैं जो नीट के अब तक आ चुके हैं। अब नीट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, इन लाइन एनसीईआरटी की होते हैं, कुछ अगल बगल की चीज़ें भी होती हैं, उसको कैसे पढ़ेंगे इनको मैंने छोटा सा चार्ट डिस्क्राइब किया है। और मैं कहूँगा जो लिविंग वर्ड है, इसमें से अब तक बेटा 12 क्वेश्चंस आ चुके हैं। पेज नंबर 4 से बेटा 3 क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। इसी तरह से जो दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इनमें से अब तक 54 क्वेश्चन आए हुए हैं, और पेज नंबर 19 में बेटा 15 क्वेश्चन आए सबसे ज़्यादा। बाकी 20वें नंबर पेज से भी 7 क्वेश्चन हैं, और 24वें नंबर पेज से भी 7 क्वेश्चन हैं, 27 से 7 क्वेश्चन हैं, 22। इस प्रकार से 19, 20, 22, 24 और 27 बहुत इंपॉर्टेंट पेज हमारे लिए बन जाते हैं। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक पेज हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, पेज नंबर 12 देख लीजिए, 2 पेज मुझे यहाँ बेहतर नजर आ रहे हैं कि मैं 2 पेज को मैं यहाँ पर बढ़िया से पढ़ूँ, और 1, 2, 3, 4, 5 पेज को मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ूँ बेटा। दिख रहा है ना, समझ में आई बात। अब हमने कहा कि हम प्लांट किंगडम में जा रहे हैं, तो अब तक बेटा 43 क्वेश्चन हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे 38 नंबर पेज से आए हैं 12, और 39 पेज से आए हैं 8। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा देखें तो पेज नंबर 30 को हम अच्छा सा पढ़ सकते हैं, या 2 पेजों कह सकते हैं, 33 और 43 को। इस प्रकार से हम ये बात कह सकते हैं कि मुझे यहां पर केवल कितने पेज ध्यान रखना है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 पेज अगर बहुत अच्छे से तैयार करें तो मेरे 80% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ये मेरे को गौर करना है, ये मेरे को बहुत अच्छे से समझना है। अब हम बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट बात मैं करूंगा, और मैं बात करूंगा किंगडम एनिमिलिया चैप्टर 4 की, जिसमें अब तक 42 क्वेश्चन आए हैं। लेकिन ये जो चैप्टर है, ऑलमोस्ट मानकर चलो यहां पर हर पेज इंपॉर्टेंट है, हर पेज, क्यों, हर पेज में फाइलम दिए हुए बेटा, पूरी फेरस लेकर के कॉर्डेटा तक उनकी क्लास है। और यहां पर कोई ऐसा विशिष्ट पेज नहीं है जहां बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए। हम ये कह सकते हैं 52 से बेटा 5 क्वेश्चन है, 53 से 6 क्वेश्चन है, 56 से भी 6 क्वेश्चन है। ये 3 जो पेज हमारे हैं बहुत स्पेसिफिक हैं, यानी जिनसे आप कहेंगे तो 17 क्वेश्चन हैं आउट ऑफ 43 में। ठीक है, यानी कि 40% क्वेश्चन केवल 3 पेज से हैं।
तो अब बताइए, हम यही तो कहना चाहते हैं, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इन तीन पेज यहां पर, यानी हम आपसे कहें टोटल, तो आप बेटा एनसीईआरटी उठाइए और यहां पर दो पेज को, यहां पर पांच पेज को, यहां पांच, यहां तीन, यानी 15 पेज अगर आप रिवाइज करते हैं तो आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं, तो यहां पर आपके 17 क्वेश्चन यहां पर हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन यहां हो जाएंगे, और 17 और 20 मिलाकर कितने हो गए बेटा, 37 क्वेश्चन हो गए, और 15 क्वेश्चन यहां मिलेंगे, 15 क्वेश्चन यहां मिलेंगे, 7 यहां मिलेंगे, 6 यहां मिलेंगे, तो 35, 50 क्वेश्चन हो गए, 57 हो गए, 61 हो गए, 68 हो गए, और 68 के बाद 75 क्वेश्चंस हो गए, और 6 क्वेश्चन ये हैं, 81 क्वेश्चंस की बात करते हैं, टोटल क्वेश्चन अब तक जो एग्जाम में आए हैं उनकी संख्या कितनी है, 151, यानी टोटल पेज की बात करते हैं तो ये इस यूनिट में, इस यूनिट में बेटा कितने पेज हैं, 62 पेज हैं, जिनमें से केवल और केवल कितने पेज की मैं बात कर रहा हूं, 15 पेज की बात कर रहा हूं, यानी 25% पेज आपको पढ़ने हैं, 25% पेज पढ़ने आपको, और 25% पेज में आप 60% से अधिक क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, क्या है एनालिसिस मेरे बच्चे, कितनी जबरदस्त बात है। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको कंप्लीट रिवीजन कर रहा हूं, बिल्कुल सेम टाइम में मैं जब सेकंड टाइम इसको रिवाइज करूंगा, अभी मैं आपको 5 दिनों में 5 यूनिट, उसके बाद और यूनिट, 10 दिनों में मैं 10 यूनिट आपको फिनिश कर रहा हूं, उसके बाद मैं 5 दिनों में इसी टारगेट पर, इसी पैटर्न पर आपके पास क्वेश्चन लेकर आऊंगा, बिल्कुल इसी तरीके से सेकेंड टाइम में। तो मेरे पास 2 बार अभी रिवीजन का समय है, पहली बार मैं इस तरह से आपको बता रहा हूं, ठीक है बेटा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं और नेक्स्ट पेज पर हम लोग आते हैं, और क्या बात करते हैं और कैसे बात करते हैं। तो चलिए, मेरा पेज नंबर पहला है, और हम कहें पहले पेज से क्या कोई क्वेश्चन पूछा गया है, अब आप आ जाएंगे, मैं कहूंगा हाँ पहले पेज से बेटा, एक पहला पेज जिसमें केवल मैंने कंटेंट डाले हैं, तो चैप्टर के कंटेंट पर हम कहेंगे बायोलॉजी किससे कहते हैं, अल्फ्रेड नोबल के बेसिस नॉर्मल फॉर अर्नेस्ट मेयर, लिविंग नॉन लिविंग कैरेक्टर डायवर्सिटी और टैक्सोनॉमिक एड, चलिए इस पर कोई बात नहीं होती है। अब आपका पहला पेज आता है जिसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इस पेज पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बायोलॉजी किसे कहते हैं, जूलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, बॉटनी की डिफाइन कैसे करते हैं, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है हमारे, नोबल प्राइज किसकी याद में दिया जाता है, कब नोबेल प्राइज किसी भी साइंटिस्ट को या किसी भी व्यक्ति को अनाउंस करते हैं और कब उसे देते हैं, तो अल्फ्रेड नोबेल के जन्म के समय बेटा, जन्म के समय यानी अक्टूबर के समय विनर को अनाउंस करते हैं, और दिसंबर के समय किंग ऑफ स्वीडन के द्वारा नोबेल प्राइज दिया जाता है। सामान्य से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं। कितने क्षेत्र में देते हैं बेटा, 3 व्यक्तियों से ज्यादा नोबेल प्राइज कभी नहीं दिया जाता है, और कितने क्षेत्र में लोगों को दिया जाता है, 6 है बेटा, फिजिक्स के लिए, मेडिसिन के लिए, शांति पीस के लिए, इकोनॉमी के लिए, केमिस्ट्री और लिटरेचर। बाकी गॉड ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं, फादर ऑफ सर्जरी किसे कहते हैं, ये 3 क्वेश्चन हमारे और फेम हो जाते हैं, और हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पर एक क्वेश्चन आपको याद करना है जो अब तक आ चुका है, और वो अर्नेस्ट मेयर है, अर्नेस्ट में जो दिया था डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज, उन्होंने कहा था इंटरब्रीडिंग जो पॉपुलेशन होती है, इंटरब्रीडिंग जो पॉपुलेशन होती है उनके ग्रुप को हम लोग स्पीसीज कहते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा 2 स्टेटमेंट सही है, और वो स्टेटमेंट नंबर हमारा ए है, स्टेटमेंट नंबर कौन सा हमारा है, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। मैंने पहले बेटा क्वेश्चन दिए हैं, पेज नंबर 2 के क्वेश्चन है, और पेज नंबर 2 की बेटा ये थ्योरी है अर्नेस्ट मेयर के बारे में दिया हुआ। इनकी लाइफ बेटा 100 वर्ष की थी, और 80 वर्ष तक इन्होंने वर्क किया है, इनको बेटा डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। फिर बेटा अगले पेज पर जाते हैं, पेज नंबर 3 पर कोई क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन बेटा ये बताओ क्या इसमें कोई करेक्टर है, यस आपको बताना है, लिविंग किसे कहते हैं,
नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा। यूनिक फीचर ऑफ लिविंग कितने हैं? तीन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्सियसनेस। इसके अलावा और क्या ऐड किया गया है? मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू रेप्लिकेट एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड इंटरेक्शन, चार बातें। फिर बेटा नेक्स्ट पेज पे जाओ, पेज नंबर चार पर। ये तीन हेडिंग्स हैं हमारे पास, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। ये तीन क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन अब तक आप कर चुके होंगे, अब तक आपने कई बार इन क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। जैसे मैं क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसमें आंसर नहीं लगा हुआ। कॉमन फीचर क्या है? बिटवीन फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनिमा मॉस में, ये कॉमन फीचर है। ये मल्टीप्लाई करते हैं बाय मींस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ये तीनों में कॉमन फीचर है। इसमें क्वेश्चन के डिस्कशन में क्यों नहीं जा रहा हूं, मैं कंप्लीट रिवीजन की बात कर रहा हूं। जिस दिन मैं केवल क्वेश्चन रिवाइज करूंगा, अब केवल क्वेश्चन रिवाइज करने का समय नहीं बेटा, बस ये बताने का समय है कि देखिए क्वेश्चन किस पेज से कितने बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। इसलिए इसकी थ्योरी पर मैं जाऊंगा और ये पूरी थ्योरी लिखी है। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस पेज नंबर चार से क्या बनता है, शुरू करते हैं। बताइए पहला क्वेश्चन है, ट्विंस कैरेक्टर ग्रोथ कौन कौन से हैं? इंक्रीज इन मॉस एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कंटिन्यूअस ग्रोथ किनमें होती रहती है? प्लांट में। किनमें एक सर्टेन एज ऑफ द लाइफ पर ग्रोथ रुक जाती है? एनिमल्स में। किसमें ग्रोथ डेफिनेट होती है? एनिमल्स में। किसमें ग्रोथ इनडेफिनिट होती है? प्लांट्स में। ठीक, कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस होता है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर की एग्जांपल बताइए, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा। नॉन लिविंग में ग्रोथ एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? एक्सटर्नल। लिविंग में ग्रोथ कैसी होती है? इंटरनल। ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं कहा गया है? ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं कहा गया है? इसलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा गया है क्योंकि नॉन लिविंग मैटर भी एक्सटर्नल मैटर के एक्युमुलेशन से ग्रोथ कर लेते हैं। ठीक बेटा, अगली हेडिंग हमारे पास है रिप्रोडक्शन। बेटा कितने रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? प्रोजेनी बनाने की बायोलॉजिकल प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। कितने प्रकार का होता है? एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फंगस में मोस्ट कॉमन मेथड रिप्रोडक्शन का कौन सा होता है? स्पोर्स। फंगस में डिस्पर्सल किसके द्वारा होता है? स्पोर्स। मल्टीसेलुलर फंजाई फिलामेंटस फंजाई जिन्हें हम हाइफी कहते हैं, वो किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से और कौन रिप्रोड्यूस करता है? मॉस के प्रोटोनिमा। और कौन करता है? एल्गी। रिप्रोडक्शन किसके साथ, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ किसके लिए इंक्लूसिव फिनोमिना होता है? यूनिसेलर के लिए। किसके लिए एक्सक्लूसिव होता है? मल्टीसेलर के लिए। ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं कहा गया है? कुछ एक्सेप्शंस हैं। कौन से एक्सेप्शन है बेटा ग्रोथ के, सॉरी रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं कहा गया है? तीन एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन देखकर बताइए कहां पर तीन एक्सेप्शन लिखे हैं। नंबर वन बेटा स्टराइल वर्कर बीज। नंबर दो बेटा इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। नंबर तीन बताइए बेटा मिल्स। चलिए ईस्ट में बडिंग किसमें होती है? ईस्ट में। और बडिंग किसमें होती है? हाइड्रा में। इसमें मल्टीसेलुलर कौन है? हाइड्रा। यूनिसेलुलर कौन है? ईस्ट। ट्रू रीजनरेशन किसमें होता है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया किस फाइलम को बिलोंग करता है? प्लेटेहेलमिंथीज। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। फर्स्ट फाइलम जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्या नाम उसका है? प्लेटेहेलमिंथीज। चलिए इस पेज का अगली हेडिंग बनती है छोटी सी, मेटाबॉलिज्म। करेक्ट, कौन सी है बेटा? मेटाबॉलिज्म। ओके, चलिए पेज नंबर पांच पर हमने मेटाबॉलिज्म बात करते हैं। वहां दो हेडिंग मेन होती हैं, एक मेटाबॉलिज्म डिस्क्रिप्शन है, दूसरा कॉन्सियसनेस है। तो पहला क्वेश्चन ये बेटा पेज नंबर पांच पर, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं है। एक बार मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, मेंस का क्वेश्चन मैं यहां मेंशन नहीं किया है, एक बार मेंस का क्वेश्चन पूछा गया था, इसके करेक्टर्स आप पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। नंबर वन, पेज नंबर पांच को देखिए जरा सा, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूं आपको। नंबर वन, मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? सेल में होने वाली सभी केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सेल में होने वाले सभी केमिकल रिएक्शन को बेटा मेटाबॉलिज्म कहते हैं।
क्या सेल फ्री सिस्टम में किसी टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिज्म हो सकती है? नो. क्या वहां केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं? यस. क्या उन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं? यस. क्या सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन मेटाबॉलिज्म होती है? नो. मेटाबॉलिज्म होने के लिए क्या होना चाहिए? सेलुलर फॉर्म ऑफ द बॉडी. सेल का होना बहुत जरूरी है. सेलुलर फॉर्म ऑफ द बॉडी होना बहुत जरूरी है. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत जरूरी है. अगर बॉडी सेलुलर ऑर्गेनाइज है तो वहां पर डिफाइनिंग फीचर इसीलिए लाइफ फॉर्म का कहा जाता है. ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है. जितने स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे उनको मैं जरूर यहां पर हाईलाइट करूंगा. फिर बेटा अगली रीडिंग है कॉन्सियसनेस किसे कहते हैं? एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट, यानी वातावरण के वातावरण को पहचानना, उसके अगेंस्ट हमें रिस्पांस देना कॉन्सियसनेस कहलाता है. कॉन्सियसनेस किसकी प्रॉपर्टी होती है? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की. सेल्फ कॉन्सियसनेस किसकी प्रॉपर्टी होती है? केवल ह्यूमन बींग्स की. क्या फोटो पीरियड प्लांट और एनिमल को अफेक्ट करता है? यस. क्या प्लांट में रिप्रोडक्शन को प्रभावित करता है? यस. क्या एनिमल में रिप्रोडक्शन को अफेक्ट डालता है? यस. यहां क्वेश्चन है मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स क्या होता है? कॉन्सियसनेस. फिर क्वेश्चन है सेल्फ कॉन्सियसनेस किसकी प्रॉपर्टी होती है? ह्यूमन की. यहां जो क्वेश्चन दिया है सबसे इंपॉर्टेंट कि कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड है, कोमा में है, और फिर कहते हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड है, कोमा में है, मशीन के सपोर्ट पर है, लंग्स के लिए मशीन है, हार्ट के लिए मशीन है, वो लिविंग है या डेड? लिविंग है. क्यों लिविंग है? क्योंकि बॉडी की सेल्स में मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूअस है, इसलिए मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर. जिस दिन डॉक्टर ये समझेंगे देर इज नो मेटाबॉलिज्म फर्दर, देन कोमा को डिक्लेयर कर देंगे डेथ. यानी तभी लिखा गया है कि वो व्यक्ति जो कभी वापस नहीं आ सकता वो क्या हो जाएगा? वो डेड. तब तक डेड नहीं कंसीडर करेंगे जब तक उसमें मेटाबॉलिज्म होती रहती है. इसीलिए मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा गया है. बेटा इसी पेज पर पेज नंबर 5 पर ही कॉन्शियसनेस के बाद थोड़ा सा हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरेक्शन है. इनमें जो आपको पढ़ना है कैसे हिराशी देखिएगा. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर एटम बनाते हैं. एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों की प्रॉपर्टी है. तो क्या इलेक्ट्रॉन में एटम की प्रॉपर्टी है? नो. एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. मॉलिक्यूल में एटम की प्रॉपर्टी है? यस. क्या एटम में मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है? नो. मॉलिक्यूल मिलकर के मैक्रो मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और ऑर्गेनेल बनाते हैं. तो मॉलिक्यूल मिलकर के जब ऑर्गेनेल बनाते हैं तो ऑर्गेनेल में मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है? यस. क्या मॉलिक्यूल में ऑर्गेनेल प्रॉपर्टी? नो. जब हायरार्की में लेवल हायर हो जाएगा उसमें लोअर की प्रॉपर्टी होगी. लोअर में हायर की प्रॉपर्टी नहीं होती है. लोअर में हायर की प्रॉपर्टी नहीं होती है. यही इंटरेक्शन का क्वेश्चन है. ऑर्गन में टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है? यस. टिश्यू में ऑर्गन की प्रॉपर्टी है? नो. करेक्ट बेटा. ये पार्ट हमारी यहां पर कंप्लीट हो जाती है. यानी हम यूं कह सकते हैं कि इस चैप्टर के मेन दो आर्टिकल्स हैं. एक है लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको केवल एनसीईआरटी बेसिस पर मैंने क्वेश्चन को बोले हैं बेटा. और दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं था. इस चैप्टर से 12 क्वेश्चन अब तक आए हैं पिछले 15 पेपर्स में से. इसका मतलब है कई बार ये चैप्टर धोखा भी देता है. कई बार धोखा भी देता है कि चलो पेपर में क्वेश्चन नहीं आया. लेकिन आप देखिए अगर 15 पेपर्स में से 12 बार आया है तो कुल 3 बार धोखा खाया है. यानी हर चौथे साल क्वेश्चन जरूर फेम हुआ है इससे. यानी अगला जो आर्टिकल है वो क्या चीज कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट पेज हमारा है 6, बायोडाइवर्सिटी नॉमेनक्लेचर है. एक क्वेश्चन पूछा गया है 2007 में, आईसीबीएन का फुल फॉर्म बताओ.
और यहां आईसीबीएम का फुल फॉर्म नहीं लिखा है, इंटरनेशनल नॉमनक्लेचर है, यही सही इसका है। अब यहां पर इंडियन कोर्सेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स या इंडियन कोड ऑफ बॉटनी नॉमनक्लेचर, ये गलत है। आंसर यहां सेकंड, ये बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन बन जाते हैं, इसमें बच्चे वही चीज ढूंढने लगते हैं कि यहां पर तो चार अल्फाबेट लिखे हैं, यहां पर दो ही से काम हो जा रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन हमें भ्रमित करने वाले होते हैं और कई बार बच्चे गलत कर देते हैं। चलिए इस पेज के कंटेंट क्या है। नंबर एक, टोटल नोन स्पीसीज कितने हैं, 1.7 से 1.8। रॉबर्ट मेन ने कितनी स्पीसीज और होने का दावा किया है, 7 मिलियंस। ऑर्गेनिज्म के नामकरण को क्या कहते हैं, नॉमनक्लेचर। फर्स्ट एक्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन क्या होता है, फर्स्ट एक्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन क्या होता है, मोबाइल देना से देखें। चांदनी, गुड इवनिंग बेटा, बहुत अच्छे। रवि अग्रहरी, वेल डन, पढ़िए, आज से क्लासेस शुरू हो चुकी बेटा, और जो ये क्लासेस शुरू हो गई कंटिन्यूस रहेंगे शाम को 7 बजे। आप भी आइए अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। पप्पन जी नमस्कार, थोड़ा सा बेटा स्पीड में चीजों को बोलना पड़ रहा है, जरूरत है स्पीड में बोलने की, समय कम है काम ज्यादा है। इन क्वेश्चन सुनिए, देखिए और आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन की आप, तो नोन अनडिस्क्राइब ऑर्गेनिज्म कितने हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन है बेटा, कई बार बिलियन लिखकर आएगा, ध्यान रखने का। आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या है, आईसीजेडन का फुल फॉर्म क्या है, बायोलॉजिस्ट क्या कोई यूनिवर्सल रूल फॉलो करते हैं, यस। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में कितने वर्ड में नाम लिखा जाता है, पहला शब्द किसका होता है, वेरी गुड, दूसरा शब्द किसका होता है, स्पीसीज का। नॉमेनक्लेचर किसे कहते हैं, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। नॉमेनक्लेचर किसे कहते हैं, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। लोकल नेम बदलते रहते हैं या एक जैसे रहते हैं, पूरी दुनिया में बदलते हैं। लोकल नेम को क्या कहते हैं, वर्नेकुलर नेम। साइंटिफिक नेम कितने प्रकार के रहे हैं, 3। कौन कौन से रहे हैं, पॉलीनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। बाइनोमियल में कौन कौन सी भाषा यूज करते हैं, लैटिन। नॉमेनक्लेचर इटैलिक लिखते हैं कि प्लेन सीधा लिखते हैं, इटैलिक। प्रिंटेड हो तो कैसा लिखते हैं, इटैलिक। हैंड राइटिंग से नॉमेनक्लेचर लिखना हो तो क्या करते हैं, अंडरलाइन। दोनों को अलग अलग या एक साथ, अलग अलग। साइंटिफिक नेम कब लिखते हैं, बाद में। कैसे लिखा जाता है, एब्रिविएटेड, शॉर्ट फॉर्म में। साइंटिस्ट क्या एक्सप्लेन करता है कि किसने उसे डिस्क्राइब किया, डिस्कवर्ड किया है, डिस्क्राइब किया है। मैंगो का क्या नाम है, मैंगीफेरा इंडिका। या जीनस क्या होता है, एक नाउन। स्पीसीज क्या होती है, विशेषता, एक एडजेक्टिव। नॉमेनक्लेचर में कितने अल्फाबेट्स मिनिमम होने चाहिए, 3, LEO, लियो। मैक्सिमम कितने अल्फाबेट होने चाहिए किसी वर्ड में, 12, 3 से लेकर के 12 तक। फिर टैक्सा किसे कहते हैं, 2 चीजें हैं, एक कैटेगरीज होते हैं जिसकी संख्या 7 है, ब्रॉड कैटेगरी कहते हैं, ऑब्लिगेट कैटेगरी कहते हैं। और इसके जब हम अपने राइट हैंड पे यू लिखते हैं, राइट हैंड पे कह सकते हैं, राइट हैंड पे जब हम लिखते हैं इस साइड में, तो मान करते उसे टैक्सा कहते हैं। किंगडम क्या है, कैटेगरी। एनिमेलिया क्या है, टैक्सा।
किंगडम क्या है, कैटेगरी, प्लांटी क्या है, टैक्सॉन, है ना, फाइलम क्या है, कैटेगरी, क्वाड्रेटा क्या है, टैक्सॉन, इस तरह से हम यहां पर बताते हैं और कहते हैं, इस प्रकार से हम एक्सप्लेन करते हैं बेटा, इस करेक्ट बेटा। तो ये चीजें हमें ध्यान देनी होती है टैक्सॉन और कैटेगरी पर। चलिए तो ये पॉइंट्स हुआ हमारा, नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं। तो पेज नंबर 7 पर हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 7 पर बेटा क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी दो टर्म है और दो क्वेश्चन है। एक तो बेटा क्या नॉमेनक्लेचर को हम किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, क्या कोई यूनिवर्सल रूल होता है, क्या उसका कोई विरोध नहीं होता है। तो यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था, तो बायोलॉजिकल नेम को हम किसी भी भाषा में नहीं लिख सकते हैं। यह है, यह इनका कैसा एक्सप्लेनेशन है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी सब करेक्ट है। ठीक है, फिर यहां पर लिखा है कि लास्ट ईयर क्वेश्चन आया 2019 में आया बेटा, एनसीईआरटी के पेज नंबर 7 पर है। बताओ कौन सा नाम यहां सही है, सेकंड मैंगीफेरा इंडिका और बाद में लीनियस का नाम लिखा हुआ है, क्यों लीनियस ने से क्या किया है, डिस्क्राइब। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा यहां पर पेज में बन जाता है। तो चलिए इस पेज की थ्योरी पर चले जाइए, तो आपको ये ऑलरेडी हम सब चीजें बता चुके हैं, हम आपको क्वेश्चन सारे बोल चुके हैं। आपसे कभी कोई कहे अगर डॉग बोलोगे तो टैक्सा होगा, कैट, मैमल, व्हीट, राइस, प्लांट, एनिमल, कोई भी शब्द होंगे तो सभी क्या कहलाते हैं, टैक्सा। कोई भी ऑर्गेनिज्म कई डिफरेंट लेवल पर टैक्सा में पाया जाता है, कभी वो किंगडम पर होता है, तो कभी वो फाइलम पर, कभी क्लास, कभी ऑर्डर, कभी फैमिली, कभी जीनस और कभी स्पीसीज पर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। पेज नंबर 8 पर चले जाते हैं। पेज नंबर 8 पर सिस्टमेटिक्स और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दो हेडिंग मुख्य हमें दिखाई देती हैं। अब तक इस पेज से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन दो तीन क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं हम सब। जैसे अब बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी क्या है, इस पर तो आप बहुत नजर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अर्लियस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पर बेस हुआ करता था, यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो रिलेशनशिप डेवलप करती है अमंग ऑर्गेनिज्म, क्या कहते हैं बेटा, सिस्टमेटिक। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है कि वर्ड सिस्टमेटिक्स कहां से डिराइव किया गया है, तो लैटिन शब्द है सिस्टमा, और सिस्टमा का मींस क्या होता बेटा, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सिस्टमा नेचुरी शब्द किसने यूज किया है, लीनियस ने। लीनियस सिस्टमा नेचुरी शब्द यूज किया है, क्या किया है, टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। इस पब्लिकेशन उन्होंने प्लांट क्यों, प्लांट का डिस्क्रिप्शन किया है या एनिमल का है, ये मैंने कहा एनसीईआरटी के बगल के क्वेश्चन हो जाते हैं, इसमें उन्होंने एनिमल का डिस्क्रिप्शन किया है, प्लांट का नहीं, करेक्ट है ना। तो हर कैटेगरी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। कितनी कैटेगरी होती है, 7। हाईएस्ट कैटेगरी क्या होती है, किंगडम। लोएस्ट कैटेगरी क्या होती है, स्पीसीज। हर कैटेगरी को यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है, किंगडम। लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है बेटा, स्पीसीज। हाईएस्ट एंड लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आप यहां पर कहते हैं। उसके बाद पेज नंबर 9 पर आते हैं। बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेज नंबर 9 पर है। एक क्वेश्चन पूछा गया है और वो ये है, थोड़ा मैचिंग का क्वेश्चन है जो 2011 ऑल इंडिया प्रिंटे में पूछा गया, इसको आपको मैच करना है या कह सकते हो रिलेट करना है। हाउस फ्लाई मस्का है, ये सही है, लेकिन ये ऑर्डर नहीं है। ठीक, फिर टाइगर टिग्रीज है, ये सही है, और ये स्पीसीज है, ये भी सही है, इसलिए ये है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ऐसे लगाते हैं, जैसे कटल फिश मोलस्का है, सही है, इन ये
क्लास नहीं है, यह फाइलम है, ह्यूमन। प्राइमेटा है सही है, पर जो प्राइमेटा है वो फैमिली नहीं है। प्राइमेटा क्या होता बेटा? ऑर्डर होता है, इसलिए ये दोनों गलत है। आंसर इसका ही हो गया। इस प्रकार की मैचिंग भी बेटा पूछी जाती है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि नाइन्थ पेज पर कौन से क्वेश्चंस बने थे। तो आइए अगले पेज पर पहुंचते हैं। यहां पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं और आपको उनके एग्जाम्पल बोलने, मतलब अब तक तो याद ही हो चुका होगा, मैं कोई विशेष बात यहां पर नहीं कह रहा हूं। बताओ मैंगो से लेकर के ह्यूमन तक बॉटनिकल और जूलॉजिकल नेम, मैंगो का, पोटैटो का, ब्लैक नाइट सेड का, ब्रिंजल का नाम, लाइन का नाम, टाइगर का नाम, लेपर्ड का नाम, इस्मो लेपर्ड का नाम, ह्यूमन का नाम, जीनस और स्पीसीज दोनों की बात, फैमिली को कैसे क्लासिफाई करते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन यहां फैमिली के प्लांट ग्रुप में आएंगे, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों करेक्टर। यहां पर यह ध्यान रखना है कि प्लांट फैमिलीज, जो प्लांट फैमिलीज होते हैं वो कैसे करेक्टराइज होती है ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स पर प्लांट फैमिली कैटेगराइज्ड होते हैं। चलिए सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? सोलेनेसी। ये क्वेश्चन बहुत इजी वाले हैं जिसे हम सबको बेटा याद करना होगा। पिटूनिया की फैमिली बताओ, धतूरा की फैमिली बताओ, आलू की फैमिली बताओ, तो ये सारी फैमिली आपको यहां पर बन जाती है। पेज नंबर 10 पर चार हेडिंग है, ऑर्डर दिया है क्लास, फाइलम और किंगडम। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इन 15 सालों में कोई क्वेश्चन यहां से नहीं आए, लेकिन थ्योरी तो बनती है, थ्योरी में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरी बनती है और थ्योरी में कुछ क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं उसको देखना। सबसे पहला क्वेश्चन यह है, हम लोग यहां पर क्या ले लेंगे बताइए? प्लांट फैमिली जैसे कन्वोल्यूलेसी और सोलेनेसी जो होते हैं किस ऑर्डर को बिलोंग करते हैं? पॉलीमोनियल। ये आपको याद करना होगा। प्लांट फैमिली में मेनली करेक्टर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव है, लेकिन इन दोनों में कहा जाए तो प्लांट फैमिली को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव करेक्टर, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव दोनों हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई एक पूछा जाए तो आप रिप्रोडक्टिव को ज्यादा प्रेफर करोगे। तो प्लांट फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव में किसको ज्यादा प्रेफर करोगे बेटा? रिप्रोडक्टिव को हम लोग अधिक प्रेफर करेंगे, ठीक है बेटा। और अब आप लोग जो भी लोग ऑनलाइन आ चुके हैं वो अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें। आपके ऊपर कुछ प्रेशर होगा, लेकिन उस प्रेशर को बिल्कुल रिलीज करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है बेटा। तो अगला क्वेश्चन ये है कि फैलिडी और कैनिडी के आर्डर का नाम बताओ कार्निवोरा। ये बेटा याद ही कर दे हैं आपको, ठीक। मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन किस ऑर्डर को बिलोंग करते हैं? प्राइमेटा। और ये किस क्लास को बिलोंग करते हैं? मैमिलिया। फाइलम कॉर्डेटा के तीन करेक्टर्स बताइए, स्पेशल करेक्टर। पहला नोटोकार्ड का पाया जाना, दूसरा डार्सल ट्यूबुलर हालो नर्व कार्ड का प्रेजेंट होना, तीसरा फेरिंजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना लाइफ की किसी न किसी स्टेज में। बेसिकली कहां पर प्रेजेंट होते हैं? तो फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है बेटा। फिर क्वेश्चन कहते हैं कि ब्रॉड कैटेगरीज कौन सी होती है और कितनी होती हैं? सात होते हैं। ब्रॉड कैटेगरीज को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रॉड कैटेगरीज को हम लोग ऑब्लिगेट कैटेगरी भी कहते हैं, सात होते हैं। हाईएस्ट लोवेस्ट हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, करेक्ट बेटा। इंटरमीडिएट कैटेगरी या सब कैटेगरी होती हैं जब इसके अंदर किसी करेक्टर के कारण और बेहतर ढंग से हम किसी चीज को क्लासिफाई कर पाते हैं,
तब वहां पर बेटा कुछ कैटेगरी और आते हैं, वो सब कैटेगरी हो जाते हैं जिनसे क्लासिफिकेशन और बेहतर फैसिलिटेट हो जाता है। करेक्ट है बेटा। इस प्रकार से क्वेश्चन और है इस पेज का, और वो ये क्वेश्चन है कि अगर हम बेटा जाते हैं स्पीसीज से लेकर किंगडम तक जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर बेटा घटते हैं या बढ़ते हैं। आंसर लगाना, कॉमन कैरेक्टर्स बेटा घटते हैं। यहां पर आने के बाद हम सब नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं, पेज नंबर 11, और पेज नंबर 11 में हम टैक्सोनॉमिक एंड और हार्बेरियम को पढ़ते हैं। यहां पर कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, एक कौन सा है, मैचिंग का क्वेश्चन है। चलो इस मैचिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, मैचिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे बेटा, बेटा बताओ इनमें से फैमिली कौन सी है। म्यूसेडी फैमिली मस्का की है, यानी ए इक्वल टू थर्ड कॉमा। ऑर्डर क्या है, मस्का का डिप्टेरा है, यानी बी बराबर वन। क्लास क्या है, इंसेक्टा, यानी सी इक्वल टू फोर्थ। फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा, यानी डी इक्वल टू सेकेंड। ये बेटा आंसर लग जाता है, यानी मक्खी हाउसफ्लाई के क्लासिफिकेशन में ये है। तो पेज नंबर 11 में इसका टेबल दिया हुआ है। क्या दिया, टेबल। ठीक है, सही है, ये आंसर सही है। ये देखिए टेबल दिया हुआ, इस टेबल को याद कीजिए। मैं क्वेश्चन इसको यहां से पूछूंगा, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, ह्यूमन हाउसफ्लाई मैंगो और व्हीट के फाइलम बताइए। कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, और जब इसकी फाइलम कहेंगे तो हम लोग एंजियोस्पर्म में जाएंगे, और यहां पर पहुंचेंगे तो फाइलम हमारा वो भी डाइकॉट एंजियोस्पर्म हो जाएंगे। ठीक है, प्लांटी, प्लांटी किंगडम हो जाएगा। फिर बेटा क्लास की बात करेंगे तीनों की, चारों की। मैंगो की क्लास क्या है, एनाकार्डियेसी। मैंगो का मैंगो की फैमिली क्या है, सॉरी मैंगो की क्लास एंजियोस्पर्मी है डाइकॉट में, और मैंगो की जो क्या बोलते हैं फैमिली है वो एनाकार्डियेसी है। अब मैंगो का जो ऑर्डर है बेटा, मैंगो का ऑर्डर जो है वो है सेपिंडेल्स। पोइसी किसकी फैमिली है, वीट की। होमिनिड किसकी फैमिली है, ह्यूमन की। इस प्रकार से यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो टेबल की आप पढ़ लेते हो। पेज नंबर कौन सा स्टडी कर रहे हैं टेबल में हम लोग, 11। ठीक बेटा, अब एक आखिरी पार्ट, टैक्सोनॉमिक एड। क्वेश्चन ये, टैक्सोनॉमिक एड कहते किसे हैं, और टैक्सोनॉमिक एड की यहां पर मीनिंग क्या है। हम सब कहते हैं ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए उसका आइडेंटिफिकेशन सबसे जरूरी है, और आइडेंटिफिकेशन बेटा उसके कैरेक्टर्स के आधार पर किया जाता है। उसका आइडेंटिफिकेशन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर किया जाता है, तो आइडेंटिफिकेशन उसका फर्स्ट एक्ट होता है। अब क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन कहां पर करते हैं, तो पहला लैब में कर सकते हैं, एज वेल एज फील्ड स्टडी में करते हैं। एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है जो कहते हैं कि बताओ होलोटाइप किसे कहते हैं, होलोटाइप किसे कहते हैं। ये जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा आपके यहां बाहर है, तो कहते हैं कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। हम फील्ड में जाते हैं, किसी प्लांट या एनिमल को कलेक्ट करते हैं फॉर द कैरेक्टराइजेशन, फॉर द आइडेंटिफिकेशन, फॉर द नॉमेनक्लेचर, फॉर द क्लासिफिकेशन। तो उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या नाम देते हैं, होलोटाइप। फिर एक क्वेश्चन यहां पर इसी पैराग्राफ से और फ्रेम हुआ है कि प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी क्या है, कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन, कलेक्शन ऑफ द एक्चुअल स्पेसिमेन इसका प्राइम सोर्स है बेटा। इस प्रकार से टैक्सोनॉमिक एड का ये पार्ट हमारा यहां पर फिनिश होता है। हम लोग नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 में बॉटनिकल गार्डन और हर्बेरियम और म्यूजियम दिया हुआ है।
ये क्वेश्चंस हैं, तीन चार क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। आशुतोष मिश्रा गुड मॉर्निंग, गोविंद प्रसाद गुड इवनिंग, हाँ गुड इवनिंग, ऋषभ मौर्या कैसे हैं, ठीक है, कुमार चंद प्रेम जी कैसे हैं आप, चलिए आप लोग आए, अच्छा लग रहा है। देखिए जैसी जिसकी ज़रूरत हो उसकी पूर्ति की आवश्यकता होती है, वो चीज़ें चलती रहती हैं। ये पीक समाज है जो एक दूसरे से लिंक होते हैं और चलते रहते हैं, ठीक बेटा। तो चलिए आइए पेज नंबर 12 पर बेटा, हमारे पास तीन क्वेश्चन हैं, है ना। चलो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। कैसे डिस्कस करते हैं आइए, हार्बेरियम किसे कहते हैं, तो ये है ट्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट एनिमल लगते हैं, ये दिख रहा है मुझको। की किसे कहते हैं, की कहते हैं जहां पर हम किसी स्पीसीज को किसी, ये है बेटा की बुकलेट कंटेनिंग लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स जिसमें दो अल्टरनेटिव्स होते हैं उसे की कहते हैं बेटा। म्यूजियम किसे कहते हैं, प्लेस जहां पर प्रिजर्व प्लांट और एनिमल का कलेक्शन हो। कैटलॉग किसे कहते हैं, सेकेंड है। लिस्ट दैट इन्यूमरेट्स मेथोडिकल ऑफ द ऑल स्पीसीज फाउंड इन एरिया विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन। इसमें चेंज है, चलो इसमें कुछ बेटा बदलाव है, ठीक कुछ बदलाव है ना, लेकिन ये जो करेक्शन है ठीक है, आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इस पेज पर हम लोग आगे जाते हैं बेटा, और कुछ कहते हैं हार्बेरियम को बताओ, 5 पॉइंट बोल दो हार्बेरियम के। नंबर 1, नंबर पहला बोलो बेटा, हार्बेरियम का फर्स्ट पॉइंट बोलिए। यस बेटा ओके, हार्बेरियम स्टोर हाउस है, ड्राई प्लांट को स्टोर करते हैं, प्रेस करके रखते हैं, हार्बेरियम शीट पर लगाते हैं, टेस्ट करते हैं, क्या क्या हार्बेरियम, करेक्ट। फिर एक पॉइंट है कि हार्बेरियम को बेटा, हार्बेरियम जब हम शीट की बात करते हैं, हार्बेरियम शीट में बेटा, हार्बेरियम शीट में कहां पर डिस्क्रिप्शन देते हैं, राइट हैंड के बॉटम पर, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार बेटा, यहीं पर क्वेश्चन मेंशन किया होगा शायद, हाँ ये लेबल, लेबल ऑफ हार्बेरियम, क्या नेम ऑफ कलेक्टर होता है, यस, लोकल नेम होता है, यस, डेट ऑफ कलेक्शन होता है, यस, हाइट होती है, नो, लोकल नेम लिखा जाता है, यस, साइंटिफिक नेम लिखा जाता है, यस, रखा कहां जाता है, हार्बेरियम क्या होता है, स्टोर हाउस, ठीक बेटा। सुभाष द्विवेदी गुड बेटा, द वर्ड ऑफ आर चीज स्टोर हाउस, वेरी गुड, ड्राइड प्रेस, वेरी गुड, ऐसे आंसर आप देते रहिए, अच्छा लगता है आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। डेट ऑफ कलेक्शन देते हैं, वेरी गुड बेटा आर्ची। हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, और जब मैंने हार्बेरियम को बताया तो हार्बेरियम के बाद हम लोग किस चीज का डिस्क्रिप्शन करेंगे बेटा, बॉटन गार्डन। चलिए 3 क्वेश्चन बताने हैं, ओनली 3 क्वेश्चन। बॉटन गार्डन में क्या रखते हैं, लिविंग प्लांट्स, किस चीज के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्या लेबल करते हैं, फैमिली एंड साइंटिफिक नेम, किन्हीं 3 बॉटन गार्डन के नाम बताओ, 3 के नाम बताओ, बता डालिए जल्दी से बेटा। इंग्लैंड में कौन सा है, वेस्ट बंगाल कलकत्ता में कौन सा है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कौन सा है, NBRI कहां है,
सी लखनऊ में, सॉरी हाँ लखनऊ में, एनबीआरई कहाँ बेटा, लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं बेटा हम लोग, आओ म्यूजियम, अभी बाकी म्यूजियम कैसे कहते हैं, म्यूजियम में आइए। म्यूजियम एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जहां प्लांट और एनिमल दोनों, बोलो बेटा, जहां प्लांट और एनिमल दोनों को रखते हैं। ओके बेटा आर्ची, प्लांट एनिमल दोनों को रखते हैं बेटा म्यूजियम में, डेड या लिविंग टेड। कितने प्रकार से रखते हैं जो आपकी किताब में दिखा है बता दीजिए। आपके स्कूल में जो बायोलॉजिकल लैब होती है वो क्या है, म्यूजियम है। कितने प्रकार से रखते हैं, पांच। पहला कंटेनर या जार में, दूसरा ड्राई स्पेसिमन, तीसरा इंसेक्ट को पिन करके बॉक्स में रखते हैं, चौथा बड़े एनिमल की खाल के अंदर भूसा भर करके रखा जाता है, और कई बार एनिमल के स्केलेटन को प्रिजर्व करके स्टडी के लिए रखा जाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हम आशुतोष मिश्रा, गुड, लखनऊ सही आंसर है, आर्ची ड्राई स्पेसिमेन, आंसर साहब के बहुत सही हैं, आंसर साहब दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। पांच प्रकार से कलेक्ट करते हैं, ये गौर करना वहां पर कि वहां पर पूछा जाएगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं, तो आपको कम से कम ये पॉइंट ध्यान रखने होंगे कि पांच आपकी अपनी बुक बुक में लिखे हैं, पांच आपकी अपनी किताब में लिखे हुए हैं। फिर बताओ नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं, जूलॉजिकल पार्क। इससे बेटा कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए अब तक, की का स्टेटमेंट आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है बट उसकी स्टेटमेंट का है। चलो जूलॉजिकल पार्क क्या कहेंगे पढ़ो, जूलॉजिकल पार्क वाइल्ड एनिमल्स के लिए, नंबर एक क्या पता करने के लिए, उनके नेचर हैबिटेट और फूड हैबिट को जानने के लिए, बस दो क्वेश्चन याद रखो। आपके शहर में पाए जाने जू जूलॉजिकल पार्क ही होते हैं, की किसे कहते हैं, की एक अनदर मेथड ऑफ टैक्सोनॉमी है, कि किस पर बेस्ड होते हैं, सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर पर बेस्ड होते हैं, पेयर ऑफ कैरेक्टर को क्या कहते हैं, कपलेट। कितने स्टेटमेंट होते हैं, दो। कैसे होते हैं, अपोजिट। कितने सेलेक्ट किए जाते हैं, वन। कितने रिजेक्ट होते हैं, वन। किसी टैक्सोन के लिए सिमिलर की होती है, डिफरेंट की होती है, डिफरेंट कीज होती हैं। किस पर बेसिस होती है, एनालिटिकल बेसिस होती है। बेटा मैंने सारे पॉइंट यहां पर बता दिए, करेक्ट। फ्लोरा किसे कहते हैं, एक्चुअल प्लेस जहां पर प्लांट स्पीसीज पाई जाती है फ्लोरा कहते हैं, तो फना किसे कहते हैं, द प्लेस वहां पर जहां पर एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं, बोलो बेटा, एनिमल स्पीसीज जहां पर प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यस गुड वेरी गुड बहुत अच्छे आर्ची आशुतोष। गुड, की में बेटा हर स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, लीड। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, इस प्रकार से की के बाद तीन चार टर्म्स और हैं नेक्स्ट पेज पर बेटा, वो यही है फ्लोरा। मैनुअल्स किसे कहते हैं, मोनोग्राफ किसे कहते हैं, कैटलॉग को आपने डिफाइन कर दिया है, मैनुअल्स मोनोग्राफ। किसी एक टैक्सॉन का डिस्क्रिप्शन करेंगे तो क्या कहलाएगा, अ ग्रुप ऑफ द स्पीसीज हो जाएंगी वहां तो क्या कहलाएगा, जब किसी एक टैक्सॉन का करेंगे तो क्या कहलाएगा बेटा, मैनुअल्स। वेरी गुड, प्रत्येक स्टेटमेंट को लीड कहते हैं, सही। इस प्रकार से आप जुड़ते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी करिए, दोस्तों को बताइए, ये सिलसिला शुरू हुआ है, चलता रहेगा, प्रतिदिन एक कंप्लीट यूनिट। आज हम लोग डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, हमें ये डाइवर्सिटी का चैप्टर 40 मिनट्स में कंप्लीट हुआ है। चलिए टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हुआ होगा। ओके, एनिमल्स को फना कहते हैं, वेरी गुड बहुत अच्छे। अब हम लोग बेटा आगे चलते हैं, क्योंकि सिलसिला थमना नहीं चाहिए। 14 पेज पर बेटा समरी दी हुई है,
15 नंबर पेज पर एक्सरसाइज दिया हुआ है। अब 16 नंबर पेज पे नया चैप्टर आ जाता है और चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें बेटा लिनियस दो किंगडम के बारे में लिखा गया है और इसमें क्वेश्चंस क्या हैं, चलिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर कीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बुलाइए, अपने आप अकेले, आप अकेले कुछ नहीं खाना चाहिए बेटा, हजम नहीं होती चीजें, है ना, दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाओ, मस्त रहो, मजा आएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है, मिलकर के खाओ। पूरी यूनिट का टेस्ट आपको कल मिलेगा, रात में 10 बजे अपलोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं पूरी यूनिट का टेस्ट। स्काइप एमटी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको मैराथन क्लास के नाम से मिलेगा पेपर, 10 यूनिट टेस्ट 90 क्वेश्चन मैराथन क्लासेस के नाम से आपको मिलेगा बेटा, ठीक है, ओके, बहुत अच्छे बेटा, मैनुअल्स मोनोग्राफ, ठीक है। हम लोग कहां आ गए, चैप्टर सेकंड पर, 16 नंबर पेज से क्वेश्चन कोई नहीं आया है, इन 16 नंबर पेज पर मैं शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, सिविलाइजेशन जब से शुरू हुई है, पहला क्वेश्चन सिविलाइजेशन पे है, क्या उस समय साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था, नहीं, पहले क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड था, यूज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, रोटी कपड़ा और मकान पर, प्लांट से कौन से प्रोडक्ट, एनिमल से कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। नंबर दो, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया, एरिस्टॉटल ने, किसने दिया, एरिस्टॉटल ने, एरिस्टॉटल ने प्लांट को किसमें क्लासिफाई किया, हर्ब श्रब और ट्री में। एरिस्टॉटल ने एनिमेलिया को किसमें क्लासिफाई किया, रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड के बेसिस पर, इनेमा और एनेमा, एनेमा मीन्स रेड ब्लड नहीं था, इनेमा को फर्दर किसमें क्लासिफाई किया, ओविपेरस और विविपेरस। टू किंगडम सिस्टम क्लासन किसने दिया, लिनियस में, कौन से दो किंगडम थे, प्लांटी और एनिमेलिया, के दोनों किंगडम काफी समय तक चले इनके, नहीं, अधिक समय तक क्यों नहीं ये सरवाइव किए, क्या कमी थी, तीन कारण लिखेंगे, तीन कारण बताएंगे। नंबर एक, यूकैरियोट को प्रोकैरियोट के साथ रखा, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रखा, फोटोसिंथेटिक को नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ रखा, ये तीन कारण थे जिस कारण से ये बेटर नहीं कर पाए। थ्री किंगडम सिस्टम किसने दिया, हेकल ने। फोर किंगडम सिस्टम किसने दिया, कोपलैंड ने। फाइव किंगडम सिस्टम क्लासन किसने दिया, आर एस भिटकर ने। आर एस भिटकर ने क्लासन किस ईयर में दिया, 1969 में। आर एस भिटकर ने क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर दिया, किस बेसिस पर दिया, नफरत वर्ड यूज किया जाता बेटा, नफरत वर्ड यूज करते हैं, यहां पर देखिएगा मैं लिखूंगा यहां पर थोड़ा सा, नफरत, ना फरत, न्यूट्रिशन, फाइलोजेनी, रिप्रोडक्शन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन और से, कि नफरत से बेटा बंटवारा होता है, से का मतलब सेल्स। पांच क्राइटेरिया थे आर एस भिटकर ने जो क्लासिफाई करके बताया। चलिए इस पेज पर, पेज नंबर 17 पर बेटा, पेज नंबर 17 पर बेटा कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक, आर एस भिटकर और फाइव किंगडम सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। हम ये क्वेश्चन आपको, आपने अब तक क्वेश्चंस कई बार लगाए होंगे बेटा, मेरा यहां पर आपको क्वेश्चन को कराने का उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य पूरे पेज को एक समराइज करके याद कराने का है। ठीक है बेटा, समराइज कराने का है।
इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं बताना चाहता हूं, मैंने क्वेश्चन को फ्रेम किया, इस पेज पर कितने क्वेश्चन, आराम से इसको देखिए, चार क्वेश्चन है। लेकिन इस पेज की थ्योरी जब बात करेंगे तो कैसे लर्न करेंगे हम लोग, इस थ्योरी पर देखिए। पहला, टेबल बनी हुई है और टेबल में पांच तरह के क्वेश्चन मुझे बोलने हैं। नंबर फर्स्ट, बताओ बेटा, सेल टाइप के बेसिस पर, सेल वॉल के बेसिस पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पर एंड मॉडर्न न्यूट्रिशन। किसको बताना है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल। मैंने लूज टिश्यू किसमें प्रेजेंट होता है? फंजाई। मैंने काइटिन के सेलवाल किसमें प्रेजेंट होती है? फंजाई में। सेल्युलोजिक सेलवाल किसमें प्रेजेंट होती है? प्लांटी। किनमें सेलवाल नहीं होती है? एनिमेलिया। किसमें पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है? प्रोकैरियोट्स में। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसमें होता है? मोनेरा और प्रोटिस्टा। टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसमें प्रेजेंट होता है? फंजाई। लूज टिश्यू किसमें होता है? फंजाई। टिश्यू और ऑर्गन किसमें प्रेजेंट होते हैं? प्लांटी। टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम किसमें प्रेजेंट होते हैं? एनिमेलिया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें नहीं होती है? मोनेरा। किसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है? बाकी सभी में। प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं? मोनेरा। बाकी सभी कौन होते हैं? यूकैरियोट्स। सबसे अधिक डाइवर्सिफाइड न्यूट्रिशन किसमें होता है? मोनेरा। होमोजोइक न्यूट्रिशन किसमें होता है? एनिमेलिया। सेप्रोजोइक किसमें होता है? एनिमेलिया। सेप्रोफिटिक किसमें होता है? फंजाई और बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा। सेप्रोफिटिक जो एब्जॉर्ब कर सके। मोनेरा में सेप्रोफिटिक है, बैक्टीरिया सेप्रोफिटिक होते हैं। मोनेरा में सेप्रोफिटिक है, बैक्टीरिया सेप्रोफिटिक होते हैं। प्रोटिस्टा में जो स्लाइमोड होते हैं वो सेप्रोफिटिक हैं। फंजाई सब सेप्रोफिटिक हैं पैरासाइट को छोड़ करके। प्लांटी में सेप्रोफिटिक नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं एनिमिलिया की, वो सेप्रोजोइक है। और एक है टीमिया, जो बॉडी सरफेस से फूड को एब्जॉर्ब करता है। चलिए, इस टेबल को डिफ्रेंशिएट करने के बाद, इन टेबल से क्वेश्चन पूछने के बाद आपके अगले पॉइंट पर पहुंच गए कि बताइए, इसी पेज के नीचे क्वेश्चन है जिनको इन क्वेश्चनों में बोल चुका हूं। अब क्वेश्चन यहां थोड़े से डिटेल में दिया हुआ है, जरा सुनिएगा। इन पैराग्राफ को नजरअंदाज हम करते हैं, इन क्वेश्चन इसमें आते हैं। पहला क्वेश्चन, अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एल्गी, फंजाई, मोनेरा, फर्न, जिम्नो, ब्रायोटेडो को किसमें रखा गया था? प्लांटी में। पहले ब्लू ग्रीन एल्गी को किसके साथ रखा गया था? एल्गी के साथ रखा गया था, प्लांटी में। पहला पैरामिशियम और अमीबा को किसमें रखा गया था? सेलवाल ना होने के कारण एनिमेलिया में रखा गया था। अब किसमें कर दिया गया है? प्रोटिस्टा में, क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। पहले फंजाई को किसमें रखा गया था? प्लांटी में। क्यों रखा गया था? क्योंकि सेलवाल प्रेजेंट होती है। अब किसमें रखा गया है? फंजाई का किंगडम अलग हो गया है। फंजाई कैसे होते हैं? नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। सेलवाल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ये पैराग्राफ यहां पर इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग पहुंचते हैं। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, किंगडम मोनेरा। देखिए पेज नंबर 18, किंगडम मोनेरा, कोई क्वेश्चन नहीं, वाह क्या बात है। किंतु पेज नंबर 19 पर आएंगे, 15 क्वेश्चन है, एक पेज पर 15 क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पेज है। यही खूबसूरती है इस लेक्चर की। मैंने भी कहा था कि पूरी यूनिट से 15 पेज पढ़ लीजिए, 80% क्वेश्चन, 60-80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 19 आ रहे हैं, सबसे अधिक क्वेश्चन उन्हीं पेज से आ रहे हैं। ओके बेटा, बाय, बहुत बढ़िया। आइए किंगडम मोनेरा के क्वेश्चन बताइए। नंबर, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा कौन है? बैक्टीरिया। मोनेरा की सेल कैसी होती है? प्रोकैरियोट। न्यूक्लियस कैसा होता है? इंसिपिएंट। कहां पर पाए जाते हैं? एवरीवेयर। फॉर्म के बेसिस पर कितने प्रकार के होते हैं? चार। स्फेरिकल को क्या कहते हैं? कोकस। रॉड शेप्ड को क्या कहते हैं?
बेसिलस। स्पाइरल को क्या कहते हैं? स्पाइरलम। कॉमा शेप को क्या कहते हैं? विब्रियो। शेप है बेटा ये, करेक्ट बेटा। नेक्स्ट पेज पर हम लोग पहुंचते हैं, ये देखिए पेज नंबर 19 पर क्वेश्चन कि बाढ़ आ गई है, 7, 15 क्वेश्चन बेटा पेज नंबर 19 से है। कल्पना कर सकते हो, करनी पड़ेगी, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैं उनकी बात करूंगा, उनकी चर्चा करूंगा। पेज नंबर 15 क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, कितनी चीजें हैं और इसको कैसे पढ़ा जाए तो बेहतर नजर आएगा हमें। पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है। पहला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर के बेसिस पर कैसी है, वेरी सिंपल। बिहेवियर के बेसिस पर कैसी है, वेरी कॉम्प्लेक्स। बिहेवियर बेसिस वेरी कॉम्प्लेक्स। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी के बेसिस पर कैसी है, मोस्ट एक्सटेंसिव, मोस्ट एक्सटेंसिव। ये तीनों चीजें यहां पर हमें मिल जाती हैं। अब देखिए नया पेज लगाना चाहते हैं, ब्लैंक पेज। हमें बेटा यहां पर न्यूट्रिशन देखना है, ठीक। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है, दो। कौन सा होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक कितने प्रकार के होते हैं, दो। कौन कौन से होते हैं, कीमोऑटोट्रॉफ और फोटोऑटोट्रॉफ, ठीक। हेटरोट्रॉफ कितने प्रकार के होते हैं, तीन। कौन से, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बियोटिक। कीमोऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया कौन से होते हैं, नेक्ट्रीफाइंग हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। फोटोऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया कौन से होते हैं, तीन। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्लोरोबियम, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्रोमेशियम, ब्लू ग्रीन एल्गी। इनमें से कौन से होते हैं, इनमें से सल्फर का फ्री कौन रिलीज करता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया फ्री सल्फर रिलीज नहीं करते हैं, जबकि बीजीए फ्री ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इनकी फोटो क्या कहते हैं, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसाइजर। ये दोनों क्या कहलाते हैं, एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसाइजर। कीमोऑटोट्रॉफ फूड बनाने के लिए एनर्जी कहां से यूज करते हैं, केमिकल कंपोनेंट के ऑक्सीडेशन से। ये एनर्जी कहां से यूज करते हैं, लाइट एनर्जी यूज करते हैं। लाइट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है, पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं। इन तीनों में पिगमेंट पाए जाते हैं, इनके पिगमेंट को क्या कहते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स कहते हैं, बैक्टीरियो विरिडिन कहते हैं। इनके पिगमेंट को बैक्टीरियो परप्यूरिंस कहते हैं, इनमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। बेटा रैपिड फायर चल रहा है, वो तो चलेगा ही ना। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मेजॉरिटी में पाए जाते हैं, हेटरोबैक्टीरिया मेजॉरिटी में होते हैं। सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया उसमें सबसे ज्यादा होते हैं, फिर पैरासाइट होते हैं, फिर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया सबसे कम होते हैं। इन तीनों में भी कहा जाए तो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा होते हैं, करेक्ट बेटा, ओके। अब वापस आ जाएंगे हम लोग यहां पर, ठीक, आ जाइए। मेजॉरिटी में बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मेजॉरिटी में हेटरोट्रॉफ होते हैं, सेप्रोफाइट, पैरासाइट और सिम्बियोटिक होते हैं, ठीक है। इनके क्लासिफिकेशन में दो ग्रुप होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया हार्श हैबिटाट में रहते हैं, हैबिटाट के बेसिस पर तीन प्रकार के होते हैं, वो जो हेलोफिल्स होते हैं वो सैलाइन वाटर में रहते हैं, वो जो थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं हाई टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशन में रहते हैं, वो जो स्वैम्पी एरिया में रहते हैं मीथेनोजेंस कहते हैं, काउ के डंग में रहते हैं मीथेनोजेंस कहते हैं, कैटल में पाए जाते हैं मीथेनोजेंस कहते हैं।
स्टमक में प्रेजेंट होते मीथेनजेंस कहते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, करेक्ट बेटा। ये यहाँ पर आपकी बैक्टीरिया हैं जो विशेष प्रकार के हैबिटेट में पाए जाते हैं। नंबर दूसरे में आ जाते हैं रूमिनेंट्स में, एग्जांपल दे सकते हो, बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं आर्किबैक्टीरिया। डिफर करते हैं बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ बेटा डिफरेंट प्रकार की सेल वॉल की कंपोजिशन प्रेजेंट होती है, वो कौन सी होती है, बेसिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, एन एसिटिल ग्लूकोजामिन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट होती है बैक्टीरियल। इसे बैक्टीरियल पेप्टिडोग्लाइकन कहा जाता है, कंटेनिंग क्या है, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड इंस्टेड ऑफ यह पाया जाता है। यहां पर क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे, बहुत से क्वेश्चन आए हैं। अगले पेज पर हम जाते हैं तो हम लोग यू बैक्टीरिया पढ़ते हैं। यू बैक्टीरिया में क्या इंक्लूड्स करते हैं, बीजीए और बैक्टीरिया दोनों आते हैं। साइनोबैक्टीरिया को पहले क्या कहा, नहीं, ब्लूबेरी एल्गी को पहले एल्गी माना जाता था, बट अब इसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। इसे साइनोबैक्टीरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसलिए इसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। चलो आर्ची का एक क्वेश्चन है, सर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और बीजीए सब में क्लोरोफिल ए होता है क्या? नहीं बेटा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में बैक्टियोविरिडिन होता है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में बैक्टियोपरप्यूरिन होता है, ब्लूग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए होने के कारण ही ये है, इसका जो इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है वो पानी होता है, और पानी का जब फोटो ऑक्सीडेशन होता है तब ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, इसलिए ब्लू ग्रीन एल्गी को फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसाइजर कहा जाता है। ओके बेटा, चले आगे, बहुत बढ़िया, मन लगाकर पढ़ो, मन लगा कर देखोगे तो आपको चीजें अच्छी भी लगेंगी और समझ में तो आना तय है। इसके बाद बेटा बीजीए में पिगमेंट बताओ, क्लोरोफिल ए। ऑर्गेनाइजेशन बीजीए का कैसा होता है, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस। यूनिसेलुलर बीजीए का नाम बताओ, स्पायरुलिना। कॉलोनियल बीजीए का नाम बताओ, नॉस्टाकोर एनाबेना। फिलामेंटस बीजीए का नाम बताओ, ऑसिलेटोरिया। हैबिटेट बीजीए का कहां होता है, सिम्बियोटिक भी है, फ्रेश वाटर मेरिनो टेरिस्ट्रियल भी है। बीजीए कहां कहां सिम्बियोटिक हैं, प्रोटोजोआ के साथ होते साइनेली कहते हैं, एंथोसिरोस में प्रेजेंट होते हैं जो ब्रायोफाइटा है, एजोला में प्रेजेंट होते हैं जो टेरिडोफाइटा है, साइकस की कोरलर रूट में होते हैं जो कि जिम्नोस्पर्म है, ट्राइफोलियम में प्रेजेंट होते हैं जो एंजियोस्पर्म है, यानी बीजीए एंजियोस्पर्म में भी है, जिम्नोस्पर्म में भी है, टेरिडोफाइटा में भी है, ब्रायोफाइटा में भी है और प्रोटोजोआ में भी पाया जाता है। बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है बेटा। ब्लूम कैसे कॉज होता है बीजीए, ब्लूम किसे कहते हैं, पॉल्यूटेड वाटर में नाइट्रेट और फास्फेट के अधिक होने के कारण ब्लू ग्रीन एल्गी की वहां ग्रोथ बहुत अधिक होती है, ग्रोथ होने के कारण वहां का पानी बदबू करता है, सड़ जाता है, इसे वाटर ब्लूम कहा जाता है। बीजीए में कौन सी स्पेशल सेल होते हैं, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, हेट्रोसिस्ट किस कारण से होता है, इसमें बेटा नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाए जाते हैं इसलिए प्रेजेंट होता है। बीजीए की एग्जांपल नॉस्टाकेनामेना, न्यूट्रिशन बीजीए में फोटो ऑटोट्रॉफ, न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। एग्जाम्पल बताओ, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरिया जो होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरीज में आते हैं।
हेटरोट्रांसबैक्टीरिया में मेजॉरिटी में सेप्रोफाइट्स होते हैं, कसम पैरासाइट्स होते हैं, उनसे कम सबसे अधिक सेप्रोफाइट्स होते हैं, उनसे कम सिम्बायोटिक। मिल्क कर्ड में बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम बताइए, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया के नाम बताइए, क्या नाम बता पाएंगे? ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ये बैक्टीरिया सेप्रोफिटिक होते हैं, ध्यान रखना। एंटीबायोटिक कौन बनाता है? बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। वो बैक्टीरिया कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक होते हैं और पैरासिटिक बैक्टीरिया को किल करते हैं। ये स्पीसीज या तो बेसिलस होते हैं या स्ट्रेप्टोमाइसिस। बेसिलस स्पीसीज बेटा रॉड शेप्ड होते हैं, जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज फिलामेंटस होती हैं, एक्टिनोमाइसिस ग्रुप की होती हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग किसी बैक्टीरिया का नाम बताओ, राइजोबियम। राइजोबियम सॉइल में बना रहता है, फ्री लिविंग होता है। जब रूट में इंटर करता है तब बेटा इनको हम लोग क्या नाम देते हैं? रूट में जब इंटर करता है तब बेटा ये सिम्बायोटिक हो जाता है। इस प्रकार से हम सबने इस पेज नंबर किसको पढ़ा सही ढंग से बेटा, 15 क्वेश्चन 19 में दिए गए। ठीक, मैं एक मिनट मैं क्वेश्चन क्या दिखाऊं, आपने क्वेश्चन बार बार देखा हुआ है। अब हमारे पास पेज नंबर 20 है, पेज नंबर 20 में हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं, आप एक बार जरा देख लीजिए। किंगडम प्रोटिस्टा है पेज नंबर 20 में, पेज नंबर 20 में कुछ बेटा मोनेरा है, आप कुछ बेटा प्रोटिस्टा है, दोनों चीजें। यहां कुछ मोनेरा भी है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोनेरा बैक्टीरिया, दोनों चीजें। क्वेश्चन दिख रहे हैं, 7 क्वेश्चन हैं। मैं क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा, मैं क्वेश्चन लगवाने के लिए नहीं, मैं पूरे चैप्टर की थ्योरी को रिवाइज करने के लिए। आप किताब खोलकर बैठिए और क्वेश्चंस को देखते हुए, क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपका रिवीजन होता चलेगा। चलिए आइए, कॉलरा किसके द्वारा होता है? टाइफाइड किसके द्वारा होता है? टिटेनस किसके द्वारा होता है? सिट्रस कैंकर कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का मोस्ट कॉमन मेथड क्या है? बाइनरी फ्यूजन में डिवीजन कौन सा होता है, एमायोटिक, माइटोटिक, माइटोटिक या मियोसिस? एमाइटोटिक होता है। बैक्टीरिया में डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है, एस फेज, जीवन फेज, G2 फेज या एम फेज? बैक्टीरिया में ऐसी फेजेस कोई नहीं होती हैं। बैक्टीरिया में ठीक सेल डिवीजन से पहले होता है, प्रायर टू द सेल डिवीजन। सेक्सुअल प्रोडक्शन किस प्रकार का होता है, प्रिमिटिव टाइप होता है। सेक्सुअल कितने प्रकार का होता है बैक्टीरिया में? बैक्टीरिया के सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या गैमिट फॉर्मेशन होता है? नो। फर्टिलाइजेशन होता है? नो। मियोसिस होता है? नहीं। तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता कैसे है, क्यों रिप्रोडक्शन कहते हैं? क्योंकि इसमें डीएनए ट्रांसफर होता है और डीएनए ट्रांसफर होने के कारण नए बैक्टीरिया में वेरिएशन हो जाता है, अंडी टू वेरिएशन, इसे सेक्सुअल प्रोडक्शन कहा जाता है या कंसीडर किया जाता है। बैक्टीरिया में कितने प्रकार का सेक्सुअल प्रोडक्शन है, अगर ये पूछा जाएगा तो आप बताओगे 3, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, 3 क्वेश्चन आपको बताने हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कंजुगेशन खोजा गया, कंजुगेशन के बाद ट्रांसडक्शन खोजा गया। ट्रांसफॉर्मेशन को खोजने वाले ग्रिफिथ थे, ई कोलाई में खोजा, सॉरी डिप्लोकॉकस निमोनी में खोजा,
और कल्चर मीडियम के द्वारा जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर को कहा। कंजुगेशन को लेडरबर्ग और टैटम ने खोजा, ई कोलाई में खोजा, और कंजुगेशन ट्यूब बनती है जिसे सेक्स पिलाई कहते हैं, उनके द्वारा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। ट्रांसडक्शन को लेडरबर्ग और जिंडर ने खोजा, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में खोजा, और एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज के द्वारा ट्रांसफर होता है, उसे ट्रांसडक्शन कहा जाता है। इन डेफिनेशन का जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, बहुत सी छोटी सी चीजें होती हैं बट मुझे ये याद होनी चाहिए अच्छे से। माइकोप्लाज्मा पे चार क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, बता डालिए। माइकोप्लाज्मा के चार क्वेश्चन, सेल वॉल नहीं होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है, और जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है तो इसे क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। क्या कहा जाता है यह आपको बताना है, अगर यह बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है तो तब इसे बेटा फैकल्टेटिव एन एरोबिक कहते हैं। ये टर्म होती है फैकल्टेटिव एनएरोबिक कहा जाता है ऐसी कंडीशन। क्या कहते हैं बेटा, फैकल्टेटिव एनएरोबिक कहते हैं। किन में डिजीज कॉज करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं प्लांट में भी और एनिमल्स में भी। अब किंगडम कौन सा पढ़ना है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का पहला करेक्टर क्या है, सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोटिस्टा में किनको इंक्लूड किया जाता है, तो क्राइसोफाइट्स जिन्हें डायटम्स कहते हैं, डायनोफ्लाजेलेट और यूग्लिनॉइड, ये तीनों ही बेटा प्रोड्यूसर्स होते हैं, ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जबकि स्लाइम मोल्ड बेटा डिकम्पोजर्स होते हैं, डेड डिकिंग मैटर को डिकम्पोज करके सिंपल फॉर्म में बदल करके एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि प्रोटोजोआ को हम कंज्यूमर्स कहते हैं, जो फूड को इंजेस्ट करते हैं, इनके न्यूट्रिशन को होलोजोइक कहा जाता है। ठीक है बेटा, आर्यन सर बहुत अच्छे बेटा, ठीक है आप जी। मैंने यहां पर कोशिश की है कि हम एनसीईआरटी बेसिस पर क्वेश्चन दें बेटा, इसलिए मैं थोड़ा आगे पीछे नहीं जा रहा हूं, और कोई बात नहीं। ठीक है ना, इसलिए मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं, बाकी तो सब कुछ बोला जा सकता है, सब कुछ लिखा जा सकता है, सब कुछ हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग है ना। मिसोसोम में क्या बोलते हैं इसमें, माइकोप्लाज्मा के लिए बहुत सी चीजें हैं। अब क्वेश्चन हमारा प्रोटिस्टा पर है, तो बेटा इसमें तीन ग्रुप होते हैं प्रोटिस्टा में, अगर हम लोग कहें तीन ग्रुप कौन से होते हैं, एक प्रोड्यूसर्स हो गए, एक डिकम्पोजर हो गए, एक बेटा प्रोड्यूसर हो गए, डिकम्पोजर हो गए, कंज्यूमर हो गए, इसमें एल्गी वाले ग्रुप आ गए जिनके नाम है क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजेट, यूग्लिना, डिकम्पोजर में स्लाइम मोड है और कंज्यूमर में प्रोटोजोवंस होते हैं। फिर क्वेश्चन कहा गया कि प्राइमरी हैबिटेट इनका क्या होता है, बेटा एक्वेटिक होता है। फिर कहते हैं लोअर एंड अपर लिंक प्रोटिस्टा की क्या होती है, इसको भी ऐसे बताएंगे। ये बेटा मोनेरा होता है जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनसे इवॉल्व होकर बेटा प्रोटिस्टा बनते हैं जो कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं।
इनमें बेटा तीन कैटेगरीज होती हैं, इनमें तीन कैटेगरीज होती हैं, एक प्रोड्यूसर्स होते हैं, एक डिकम्पोजर्स होते हैं, एक कंज्यूमर्स होते हैं। प्रोड्यूसर बेटा हायर लेवल में इवॉल्व करते हैं तो किंगडम प्लांटी को इवॉल्व करते हैं, डिकम्पोजर इवॉल्व करते हैं तो किंगडम फंजाई को इवॉल्व करते हैं, और कंज्यूमर इवॉल्व करते हैं तो किंगडम एनिमेलिया को इवॉल्व करते हैं। बस ये लाइन कितनी खूबसूरत है, यही मुझे यहां पर देखना है कि लोअर एंड अपर लिंक मोनेरा की प्रोटिस्टा की किससे होती है और कैसी होती है। अगर ये कहा जाए कि प्रोटिस्टा जो है लोअर किससे जुड़ा है तो मोनेरा बोलेंगे, अपर बोलेंगे तो प्लांटी फंजाई और एनिमेलिया से। करेक्ट है बेटा आर्ची, बहुत खूबसूरती से देखो। मुझे मालूम है समय थोड़ा सा कम है, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 38 आवर्स, 38 घंटे से ज्यादा का ये राउंड मेरा नहीं होगा, 38 आवर्स। उसके बाद जब सेकेंड स्टेप में हम आएंगे तब केवल मेरा 12 घंटे का राउंड होगा। तो अभी आप इसको देखिए आर्यन, बस मैं यही चाहूंगा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, लाइक करिए शेयर कीजिए, लाइक करिए शेयर कीजिए, लाइक करिए शेयर कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा बेटा। आप शाम को 3 घंटे बैठे, खत्म हो गई यूनिट, अच्छे से क्वेश्चन हो गए, क्या चाहिए। मुझे चेहरे बना करके नहीं पढ़ाना बेटा, उछल कूद कर नहीं पढ़ाना, सामान्य तरीके से पढ़ना है। बस यही आपके साथ, इसी चीज को लेकर के आपके साथ आते हैं। चलिए बेटा ये मैंने बताया तो न्यूक्लियस प्रोटिस्टा में कैसा होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है, सब कुछ होता है बेटा, हर चीज होती है। रिप्रोडक्शन बेटा एसेक्सुअल सेक्सुअल सभी होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, जायगोट बनता है, वो सब चीजें हैं। ठीक है बेटा चले नेक्स्ट पेज पर। ओके बेटा बहुत बढ़िया। हां अगर मैं यहां का हूं, देखिए कितने क्वेश्चन है पेज नंबर 20 पर, 7 क्वेश्चन है। अगर तो मटेरियल तो बनता है, मटेरियल तो बनता है, डेफिनेटली आपको दिखाई दे रहा है। और मैं अब चलता हूं अब 7 नंबर पेज पर हम लोग आ गए। 7 नंबर पेज का थोड़ा मैटर और बचा है अभी, क्राइसोफाइटा डायटम। चलिए मैं इसको डायरेक्ट पूछ रहा हूं, पहला क्वेश्चन डायटम्स का बताना है। डेसमिट्स कहते हैं, गोल्डन ब्राउन एल्गी कहते हैं, 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एक एटम को अब एपिथीका कहते हैं, दूसरी को हाइपोथीका कहते हैं, एक को एपिथीका कहते हैं, दूसरी को हाइपोथीका कहा जाता है, जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बाकी सेलुलर ऑर्गन पाए जाते हैं, सेल वॉल सिलिका की बनी होती है, इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, अंदर का मटेरियल नष्ट हो जाता है, ये वैसी की वैसी बनी होती है। मुकेश पंडित ट्रू सर, गुड, सॉफ्ट बॉक्स लाइक, वेरी गुड। चलिए आप भी शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन, क्राइसोफाइट्स को कॉमनली क्या कहते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, डायटम्स क्लास बेसिलियोफाइसी, गोल्डन ब्राउन एल्गी क्राइसोफाइसी भी कहते हैं, एलो ग्रीन एल्गी जेंथोफाइसी नाम से आएंगे, क्राइसोफाइटा फाइलम यूनिसेलुलर होते हैं, मरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों होते हैं बेटा। ठीक है बेटा, फिर पैसिवली फ्लोटिंग होते हैं, पैसिवली फ्लोटिंग प्लांट ग्रुप को क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंकटन,
प्लैंकटन्स किसे कहते हैं, जो पैसिवली फ्लोट करते हैं, और जो प्लांट ग्रुप पैसिवली फ्लोट करता है उसे फाइटोप्लैंकटन्स कहते हैं। एनिमल ग्रुप जब पैसिवली फ्लोट करता है उसे जैव जूप्लैंकटन कहते हैं। इसलिए डेसिमिड को या डायटम में जिसमें फ्लैजला नहीं होते हैं, फ्लैजला नहीं होते हैं इसलिए फाइटोप्लैंकटन्स आते हैं। सोप बॉक्स लाइक सेल होती है डायटम्स की होती है, सेल वॉल सिलिका की किसमें बनी होती है, डायटम्स में बनी होती है। डायटम्स डायटमस अर्थ किससे बनते हैं, डायटम अर्थ से बनते हैं। इसका कमर्शियल यूज कहां होता है, पॉलिश में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में, सिरप में, और साउंड प्रूफ वॉल बनाने में, और फर्नेसेस के लिए ब्रिक यानी कि ईंटें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आर्ची सोप बॉक्स की अपर लेयर और लोअर लेयर के बारे में बता रहे हैं ना सर? हां, अपर एंड लोअर लेयर, ठीक आर्ची, मैं बताना चाहता हूं बेटा। अपर लेयर को एपिथीका कहते हैं, लोअर लेयर को हाइपोथीका कहते हैं। और जब इसमें डिवीजन होता है तब ये अपर थीका बड़ी होती है, लोअर थीका छोटी होती है, बड़ी में एक छोटी बन जाती है और छोटी में और छोटी बन जाती है। और जब ये डिवाइड करते हैं तो ये बड़ी होती है, ये छोटी होती है, ये बड़ी होती है, छोटी होती है, इसमें छोटी, इसमें और छोटी, ये और छोटे होते चले जाते हैं। तो क्या डायटम विलुप्त हो जाते हैं, क्या डायटम की साइज घटते खत्म हो जाती है? आर्ची बेसिकली तुम्हारे लिए, क्यों इसे क्वेश्चन तुमने पूछा इसे बोल रहा हूं मैं, नहीं। तब डायटम में सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल में मियोसिस के बाद एक विशेष प्रकार के स्पोर्स बनते हैं जिन्हें ऑक्सोस्पोर्स कहते हैं। वो ऑक्सोस्पोर्स इनकी साइज को रिजुविनेट करते हैं, फिर से रिजनरेट करने का काम करते हैं। ऑक्सोस्पोर्स जब भी पूछा जाए तो कहना डायटम्स में पाए जाते हैं और वो ऑक्सोस्पोर्स सेल की साइज को वापस लाने में हेल्प करते हैं, जो कि सेक्सुअल प्रोडक्शन के समय बनते हैं। ओके बेटा, फिर आ जाइए, क्वेश्चन और है। ये देखो नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहां पर क्वेश्चन आ चुका है कि चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कौन होते हैं, डायटम। 7 क्वेश्चन अगर पेज में आ रहे हैं तो डेफिनेटली पेज का महत्व तो बनता है बेटा, ठीक। आर्ची किस लिए कहा नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो बेटा, बायोलॉजिकल क्लासरूम पेज नंबर 22 का मतलब आता है डायनोफ्लैजेलेट, युगलिना और स्लाइम मोड के साथ साथ थोड़ा सा पार्ट प्रोटोजोआ का है, यानी हम यहां पर कहेंगे तो 4 आर्टिकल्स हैं क्वेश्चन, लेकिन 2 पूछे गए। और वो क्वेश्चन बेटा जो 2007 का था कि स्लाइम मोड इनमें से कौन है। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो ध्यान रखना बेटा, एनसीईआरटी में अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में फाइजेरम एग्जाम्पल नहीं दिया है, ये डायटम्स होते हैं, सॉरी ये स्लाइम मोड्स होते हैं बेटा। और फाइजेरम साथ एक और होता है डिक्टियो स्टीलियम, ये दोनों ही डायटम स्लाइम मोड्स होते हैं बेटा, ठीक है ना? हाँ, किस फंजाई में हैलुसिनेजन की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, हैलुसिनेजन की प्रॉपर्टी किसमें प्रेजेंट होती है, तो ये प्रॉपर्टी बेटा एमानिटा में प्रेजेंट होती है। बाकी ये पार्ट प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन और बोलते हैं, क्लेवी सेप्स में प्रेजेंट होती है, और क्लेवी सेप्स को हम लोग अर्गट फंजाई कहते हैं। बैटरी गई, एक पॉइंट। ठीक बेटा, चलिए आइए अगले पेज को देखते हैं, कुछ क्वेश्चन पढ़िए।
डायनोफ्लैजेलिड के फाइलम को बेटा पायरोफाइटा कहते हैं। डिफरेंट कलर के डायनोफ्लैजेलिड्स पाए जाते हैं, सबसे अधिक कलर आपको मिलेंगे, फायर एल्गी भी कहते हैं बेटा, बायोल्यूमिनेसेंस भी कहा जाता है। डायनोफ्लैजेलिड में सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है, सेलुलोज की प्रेजेंट होती है और कई बार स्ट्रिप की बनी होती, छोटे छोटे टुकड़ों की बनी होती है। डायनोफ्लैजेलिड को डायनोफ्लैजेलिड इसलिए कहा जाता है कि दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर होता है, एक ट्रांसफर पोजीशन पर पाए जाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसफर। डायनोफ्लैजेलिड के किसी एग्जाम्पल का नाम बताए तो गोनियोलेक्स कहते हैं। गोनियोलेक्स को कॉमनली क्या कहा जाता है, रेड टाइड एल्गा के नाम से जाना जाता है बेटा। रैपिड मल्टीप्लीकेशन होता है। हम सब फाइलम किसकी बात करेंगे बेटा, हम सब यहाँ पर यूग्लिनॉइड की बात करेंगे। स्टैग्नेंट और फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, सेलवाल एब्सेंट होती है, पेलिकल की पेलिकल प्रेजेंट होती है, प्रोटीनियस की फ्लेक्सिबल लेयर होती है अंदर की ओर। इसमें बेटा क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जिस कारण से फोटोसिंथेसिस करते हैं, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। लाइट होने पर फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइट ना होने पर हेटरोट्रॉफिक प्रीडेटरी हो जाते हैं। पिगमेंट क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजेला जितने फ्लैजेलेटेड जितने भी ये मेंबर्स होते हैं, इसमें केवल लॉन्गिट्यूडनल बाउंड्री फ्यूजन प्रेजेंट होता है, इसमें आई स्पॉट प्रेजेंट होता है जो फोटोसेंसिटिव होता है। इसके बाद बेटा दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर और अगले पेज पर जाएंगे तो स्लाइम मोड्स बताएंगे हम लोग। स्लाइम मोड में न्यूट्रिशन कैसा होता है, सेप्रोफिटिक होता है। इसकी प्लांट बॉडी को क्या कहा जाता है, इसकी प्लांट बॉडी को प्लाज्मोडियम कहते हैं बेटा। इसकी प्लांट बॉडी में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लांट बॉडी होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लांट बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम फेवरेबल कंडीशन में बहुत तेजी से ग्रो करता है, यानी पौधों की डालों पर बहुत तेजी से बढ़ता है बेटा प्लाज्मोडियम। इसकी बॉडी बहुत तेजी से ग्रो करती, कई मीटर तक लंबी हो जाती है। अनफेवरेबल कंडीशन में बेटा, अनफेवरेबल कंडीशन में ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। फ्रूटिंग बॉडी में बेटा स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स में वाल प्रेजेंट होती है। फ्रूटिंग बॉडी को रिप्रोडक्टिव बॉडी के नाम से जाना जाता है। इसके एग्जांपल होते हैं फाइजेरम और डिक्टियोस्टीलियम। फिर बेटा प्रोटोजोआ जाता है, प्रोटोजोआ भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं, इसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। प्रोटोजोआ को बेटा डिफरेंट हैबिटेट में होते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं, मैरीन में होते हैं, कुछ पैरासिटिक भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोजोआ को लोकोमोशन के आधार पर चार क्लासेस में बांटा गया है। एक पहली क्लास इसमें अमीबाइडा होती है, पहली क्लास बेटा अमीबाइडा होती है जो कि फ्रेश वाटर में। अब पेज नंबर 22 पर बेटा फिर से 6 क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं। हमें यहां पर यह देखना है, हमें जो आपको स्पेसिफिसिटी में बता रहा हूं वो स्पेसिफिसिटी ये है कि स्पेस से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, तो पर्टिकुलर पेज से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं एक बड़ी बात होती है जिससे आप पढ़ेंगे और देखते चलेंगे। इस पेज पर प्रोटोजोआ के बाकी क्लासेस हैं तो चलिए इनको स्टडी करते हैं और बताते हैं। अमीबाइडा में लोकोमोशन स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है, इसे फॉल्स फीड कहा जाता है। इसके दो फंक्शन होते हैं, एक लोकोमोशन करता है, स्यूडोपोडिया के द्वारा बेटा फूड कैप्चर भी करते हैं। इसमें अमीबा होता है जो फ्री लिविंग होता है, जबकि एंटामीबा हिस्टोरिटिका होता है जो अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। एंटामीबा जिंजिवेलिस होता है जो पायरिया कॉज करता है। एंटामीबा कोलाई होता है जिसका कॉमेंसलिज्म होता है, जो हमारे कोलन में पाए जाते हैं। अगली क्लास बेटा इसकी फ्लैजेलेटा है, जिसे मैस्टिगोफोरा भी कहते हैं। फ्लैजेलेटा में फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। मेन एग्जांपल इसका ट्रिपेनोसोमा है। ट्रिपेनोसोमा बेटा एक फ्लैजेलेट है जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। स्लीपिंग सिकनेस अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। पता है आपको ट्रिपेनोसोमा की लाइफ साइकिल कैसी होती, डाइजेनेटिक होती, दो होस्ट होते हैं। सेकेंडरी होस्ट को सीसीफ्लाई कहते हैं। सीसीफ्लाई का जूलॉजिकल नेम बेटा होता है ग्लोसाइना पैल्पेलिस। ट्रिपेनोसोमा बेटा पॉलीमॉर्फिक होता है, इसमें चार फॉर्म पाए जाते हैं, कई स्टेज में अपने फॉर्म को बदलते हैं। जितने भी फ्लैजेलेट होते हैं बेटा उसमें लॉन्गिट्यूडनल बाउंड्री फ्यूजन प्रेजेंट होता है। ट्रिपेनोसोमा में लॉन्गिट्यूडनल बाउंड्री फ्यूजन पाया जाता है, फिर सिलीटा में आ जाते हैं। सिलीटा के मेंबर बेटा मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक भी प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल पैरामिशियम है।
बॉडी कवरिंग को यहाँ पर पेलिकिल कहा जाता है। अंदर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो फिक्स पोजीशन पर होते हैं। वेंट्रल साइड पर एक गलेट होता है जो माउथ के काम करता है, जिसमें पानी अंदर प्रवेश करता है जिसके थ्रू फूट जाता है। इसके दो स्पेसिफिक करेक्टर होते हैं। नंबर एक, ये बाई न्यूक्लेटेड होता है, एक मेगा न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। मेगा न्यूक्लियस का काम होता है वेजिटेटिव करेक्टर को कंट्रोल करना, डे टू डे लाइफ एक्टिविटी को कंट्रोल करना, जबकि माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्टिव होता है। इस माइक्रो न्यूक्लियस में माइटोसिस भी होती है, मियोसिस भी होती है। बाइनरी फिजन के समय पैरामेशियम का जो मेगा न्यूक्लियस होता है ये माइटोटिकली डिवाइड होता है, जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है ये माइटोटिकली डिवाइड होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय इसमें मियोसिस डिवीजन भी पाया जाता है। दूसरा स्पेशल फीचर होता है, जितने भी सीलेट होते हैं उनमें ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है, जितने सीलेट होते हैं उनमें ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन पाया जाता है। लास्ट बनता है स्पोरोजोआ है, जिसमें लोकोमोटिव स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, पैरासिटिक होते हैं। एग्जाम्पल इसका प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया कॉज करता है, इसकी लाइफ साइकिल डायजेनेटिक होती है। प्राइमरी होस्ट ह्यूमन होता है, सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है। यहाँ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को पैरासाइट नहीं कहते हैं, वो केवल ब्लड सक करती है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक, कितनी देर बाद बस करो, कल बेटा ऑन कर दो, बोले हाँ ना बेटा। दो चैप्टर मैंने आज फिनिश, दो चैप्टर भी कहाँ फिनिश हुए, डेढ़ हुआ ना, दो पूरा होने में। ठीक है, इसके बाद बेटा हम लोग आ जाते हैं किंगडम फंजाई पर जाएंगे। दो चैप्टर तो पूरे होने दो ना अभी। आपसे क्वेश्चन पूछें, चलिए अच्छी बात है, तो सर टाइम लगता है लेकिन क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए शुरू करते हैं फंजाई में। फंजाई में न्यूट्रिशन कैसा होता है, आंसर देते रहिए। हेटरोट्रॉफी। फंजाई की सेल्स कैसी होती हैं, यूकैरियोट्स। व्हाइट रस्ट ऑफ फंगस कौन कॉज करता है, ब्रेशिका में, एल्बिगो कैंडिडा। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट किस में किसके द्वारा होता है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट किसके द्वारा होता है, बोलो बेटा। पक्षिनिया, ग्रेमनिस्टिटिकाई। ऑरेंज रॉट किसके द्वारा कॉज होता है, फाइटोफ्थोरा। फंगस जो ब्रेड पर डेवलप होता है, राइजोपस। एडिबल मशरूम का नाम बताइए, सब एनसीईआरटी की लाइनों से है, एडिबल मशरूम का नाम बताइए, एग्रिकस। टोड स्टूल जो फंजाई का होता है, टॉक्सिक मशरूम है, उसका नाम बताइए, एमानिटा। ब्रेड और बियर बनाने वाले फंगस का नाम बताइए जल्दी से, ब्रेड और बियर बनाने वाले फंगस का नाम बताइए, ईस्ट। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी किसे कहते हैं, ईस्ट। एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने वाले किसी फंगस का नाम बताइए, पेंसिलियम। नोटेटम और पेंसिलियम क्राइसोजिनम।
फंजाई कहां ग्रो करते हैं? मॉइस्ट एंड ह्यूमिड प्लेसेस पर। रेफ्रिजरेटर में फूड क्यों नहीं नष्ट होता है जल्दी? लो टेम्परेचर के कारण मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है। यूनिसेलुलर फंजाई का नाम बताइए। ईस्ट। फिलामेंटस बॉडी या फंजाई की फिलामेंटस बॉडी को क्या कहते हैं? हाइफी। क्या कहते हैं बेटा? हाइफी। हाइफी के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? हाइफी के नेटवर्क को क्या कहते हैं बेटा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाइफी के नेटवर्क को क्या कहते हैं? अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए बेटा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन मैं पूछता रहूंगा। हर क्वेश्चन पूछेंगे, हर लाइन का क्वेश्चन पूछेंगे। मल्टी न्यूक्लेटेड सिनोसिटिक एल्गी फंगस को क्या कहते हैं? तो भी चल रहा है। फाइकोमाइसिटिस के सिनोसिटिक होते हैं। सेलवाल किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? काइटिन की। फंगस में न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में कौन कौन से प्रकार होते हैं? छोटा कोर्स। सेप्रोफिटिक फंगस के नाम बताओ। सेप्रोफिटिक फंगस के नाम बताओ। गुड गुड डन मुकेश आर्ची, गुड डन। बताइए बेटा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन किनके साथ होता है? फंजाई के साथ एसोसिएटेड होंगे तो क्या कहलाएं? एल्गी के साथ एसोसिएटेड होंगे तो क्या कहलाएंगे? मुकेश ये मानकर चलो कि आप तो आंसर बताओगे, टाइम बहुत लगेगा बेटा। या तो हम चार चार लाइनें छोड़कर बोले तो वो ठीक नहीं है। फंजाई एल्गी के साथ एसोसिएट होती तो क्या कहलाती है? लाइकेन। पाइनस की रूट के साथ एसोसिएट होती तो क्या कहलाती है? माइकोराइजा। कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल। वेजिटेटिव किसके द्वारा होता है? फ्रेगमेंटेशन।
एसेक्सुअल स्पोर्स के नाम बताओ। स्पोरेंजियो स्पोर्स कोनिडिया और जू स्पोर्स। किस क्लास के मेंबर में जू स्पोर्स बनते हैं? फाइकोमाइसिटीज। डिप्लॉयड सेक्सुअल स्पोर्स के नाम बताओ। ओ स्पोर्स। हैप्लॉयड सेक्सुअल स्पोर्स के नाम बताओ। एस्कोस्पोर्स और बेसिडियो स्पोर्स। सेक्सुअल साइकिल के इवेंट बताइए। सर आप पढ़ाएं, आप टाइप ना होगा, थक गए टाइप करके। सही है बेटा, मत लिखो, कभी कभी बीच में लिख दिया करो, कभी कभी बीच में लिख दो, पांच सात क्वेश्चन के बाद कोई एक। स्पीड बहुत ज्यादा रहती है, करना काम बहुत ज्यादा है। दो चैप्टर तो फिनिश कर लेना फंजाई के बाद। अभी हम लोग प्लांटिक किंगडम एनिमली और फिर वायरसेस और लाइकेन सब हैं, ठीक है ना। फंजाई में कितने प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है? मुकेश थैंक यू, अच्छा लग रहा है। इसके लिए मेरा कोई दोष नहीं, आप अच्छा पढ़ने वाले हो। वक्ता चाहे जितना अच्छा हो, श्रोता अगर अच्छा नहीं होता तो वक्ता की कोई महत्व तो नहीं रह जाता बेटा। आपका जॉब भी अच्छा है, आप अच्छा कर रहे हो। तो मेरे टॉपिक पर बेटा लिखा हुआ एनसीईआरटी के जिस पॉइंट्स को हम आपको डिटेल करते हैं अल्टीमेट होता है बेटा। आप देखिए एनसीईआरटी के लिए क्या लिखा हुआ है। वो लिखा है तो उसकी कुछ मीनिंग्स हैं। मुकेश बहुत अच्छा लगेगा। मैं इस बात इसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं इस बात को बता रहा हूं, मैं इस बात को बता रहा हूं बेटा। ये एनसीईआरटी को किस तरह से मुझे पढ़ाना है बायोलॉजी में, वो बेटा अल्टीमेट है ज्ञानेश्वर के द्वारा। समझ रहे ना, वक्त थोड़ा सा कम है, काम बहुत ज्यादा है। आप मानकर चलिए मुझे तो 10 दिन में पूरी किताब खत्म करनी है, 10 दिन में, इससे ज्यादा समय नहीं लेना है। इसका मतलब चार चैप्टर एक दिन मुझे फिनिश करने ही करने हैं, है ना बेटा। इसलिए अगर मैं केवल क्वेश्चन पूछूंगा तो इट्स टेक टाइम। आपको लिखने में भी थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए मैं अपने लय में आता हूं बेटा। ओके, आते हैं और फिनिश करते हैं इस फंजाई को बहुत अच्छे तरीके से। ओके चलिए आइए। एक क्वेश्चन है बेटा, डाइकैरियोफेज किस क्लास के मेंबर में होती है? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। फ्रूटिंग बॉडी किसे कहते हैं? रिप्रोडक्टिव बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज किस क्लास के मेंबर्स में बनती हैं? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में क्या कहते हैं? एस्कोकार्प। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या कहते हैं? बेसिडियोकार्प। फंगस का क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड होता है? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम। स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी पर।
तीन करेक्टर हैं जिस पर बेस्ड है, कितनी क्लासेस हैं आपके सामने? तो आपका जवाब होगा बेटा कितनी क्लासेस हैं, चार। पहली क्लास का जिक्र करेंगे, कौन सी क्लास है? फाइकोमाइसिटिस। कौन सी क्लास है बेटा? फाइकोमाइसिटिस को कॉमनली क्या कहा जाता है? एल्गल फंजाई। हैबिटेट क्या होता है? टेस्टियल पैरासिटिक के साथ साथ ये बेटा एक्वेटिक भी होते हैं। बॉडी कैसी होती है? बॉडी बेटा ब्रांच्ड होती है, हाइफी कहते हैं, माइसेलम कहते हैं, बट सिनोसिटिक होती है। ठीक, इसके हम कुछ करेक्टर्स बोलेंगे। पहला करेक्टर बेटा ये एक्वेटिक होते हैं, ये स्पेशल है। नंबर दो, कुछ कुछ मेंबर्स एक्वेटिक होते हैं, सभी नहीं। पहला करेक्टर। दूसरा, कुछ की सेलवाल में सेलुलोज होता है जैसे फाइटोथोरा। नंबर तीन, मल्टी न्यूक्लेटेड होते हैं, बाकी और किसी क्लास में ऐसा नहीं होता है। और फ्लैजेलेटेड स्टेज पाई जाती है कुछ मेंबर्स में, जिस कारण से फाइकोमाइसिटिस के दो ग्रुप होते हैं, एक को कहते हैं ओमाइसिट्स, एक को कहते हैं बेटा जाइगोमाइसिट्स। ओमाइसिट्स की जब बात करते हैं इसमें फ्लैजेलेटेड सेल्स होती हैं, जबकि जाइगोमाइसिटिस की जब बात करते हैं बेटा, जब जाइगोमाइसिटिस की बात करते हैं तब इसमें फ्लैजेलेटेड सेल्स नहीं पाई जाते हैं। यानी हम यूं कहने वाले हैं कि सभी फाइकोमाइसिटिस में फ्लैजेलेटेड स्टेज नहीं होते, सभी एक्वेटिक नहीं होते, कभी सभी में सेलवाल में सेल्यूलोज नहीं होता, लेकिन बेटा सभी सिनोसिटिक जरूर होते हैं, मल्टीन्यूक्लेटेड जरूर होते हैं, ये बॉडी की बात कह देंगे। एसेक्सुअल प्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, और सेक्सुअल प्रोडक्शन बेटा इसमें कौन कौन से प्रकार का होता है? प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन होता है, गैमेटेंजल कॉन्टेक्ट होता है, और गैमेटेंजल कॉपुलेशन होता है। ये तीन प्रकार का यहां पर सेक्सुअल प्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं? राम कह देते हैं, राम का मतलब होता है राइजोपस है, एल्बिगो है, और म्यूकर है। बेटा फिर आ जाएंगे हम लोग और नेक्स्ट क्लास में पहुंचेंगे, नेक्स्ट पेज नंबर 24 पर। बेटा सात क्वेश्चन हैं, अगर पेज नंबर 24 पर सात क्वेश्चन हैं तो निश्चित सी बात है महत्व तो बन ही जाता है। अर्गट देखो दिया गया है, क्लेविसेप्स को कहा जाता है, क्लेविसेप्स को अर्गट कहते हैं, मैंने बोला था अर्गट फंगस कहते हैं। बाकी यहां पर क्वेश्चन है, मैंने फिर से बात कह रहा हूं कि मैं बेटा यहां पर क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं कर रहा हूं, मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, तो मैं पेज 24 को थोड़ा सा आगे कैरी करता हूं और यहां पर आ जाएंगे हम लोग कैसे पढ़ेंगे। चलो एस्कोमाइसिटिस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉमनली क्या कहा जाता है? सैक फंजाई कहते हैं। क्वेश्चन बेटा सैक फंजाई क्यों कहते हैं? अगर ये कहा जाए सैक फंजाई कहते हैं, सैक फंजाई क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्लोटिंग बॉडी के अंदर प्लाज्मोगैमी के बाद जब कैरियोगैमी होती है तो जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम सैक कहते हैं, वो सैक लाइक थैलेनुमा होता है, इसलिए सैक फंजाई कहते हैं। हैबिटेट कैसे होते हैं? टेस्टियल होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। प्लांट बॉडी कैसी है? सेप्टेट होते हैं, यूनिन्यूक्लेटेड भी हैं और बाइन्यूक्लेटेड भी पाए जाते हैं। सेक्स रिप्रोडक्शन किस प्रकार का प्रेजेंट होता है? इसमें प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन और गैमेटेंजल कॉन्टेक्ट प्रकार का प्रेजेंट होता है। इसमें प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन होता है, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन ठीक। अब बेटा इसके एग्जाम्पल कौन है? तो हम लोग इसके एग्जाम्पल इस प्रकार से कहेंगे, ये थोड़ा सा पैंसी कह देते हैं, पी ए एन सी वाई, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स ईस्ट, इसलिए इसे पैंसी कह देते हैं। न्यूरोस्पोरा को क्या कहते हैं बेटा हम लोग? ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम कहते हैं। एस्परजिलस को हम लोग लेबोरेटरी वीड के नाम से जानते हैं, और क्लेविसेप्स को हम लोग अर्गट फंजाई कहते हैं। इसमें एलएसडी मिलता है और एलएसडी के कारण हैलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी आ जाती है। ईस्ट बेटा बियर और ब्रेड बनाने में कम आती है, जबकि मोरेल और बफल कैसे होते हैं? एडिबल और डिलीशियस होते हैं। मोरेल को यहां पर मार्चेला भी कहा जाता है। फिर बेटा
क्लास कौन सी पढ़ेंगे हम लोग? बेसिडोमाइसिटिस को कॉमनली क्या कहा जाता है? क्लब फंजाई कहते हैं। यहां पर भी वही कैरियोगेमी के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो किस शेप का होता है? क्लब शेप्ड होता है, इसे कॉमनली कहा जाता है। हैबिटेट इनका भी टेरेस्ट्रियल होता है और पैरासिटिक होते हैं, और बॉडी इनकी भी बेटा हाइफी सेप्टेड होती है, बाइन्यूक्लेटेड होती है, इन मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक, मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक होती है। एसेक्सुअल प्रोडक्शन इनमें जो होता है, एसेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहां पर कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है जो कम से कम पाया जाता है। कोनिडिया इसमें रेयरली प्रेजेंट होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है बेटा, ठीक है। ओके बेटा, जब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें किस प्रकार का होता है, बेसिडोमाइसिटिस में सोमेटोगेमी और स्पर्मेटाइजेशन, ये दोनों टर्म बेटा आपके एनसीईआरटी में नहीं है। एगेरिकस में सोमेटोगेमी प्रेजेंट होती है, पक्सिनिया में स्पर्मेटाइजेशन देखने को मिलता है। एगेरिकस में सोमेटोगेमी होती है और पक्सिनिया में स्पर्मेटाइजेशन देखने मिलता है। रस्ट कौन काज करता है? पक्सिनिया। इस पर कौन काज करता है? ऑस्ट्रेलिगो। एग्जाम्पल क्या कहते हैं? अप्पू। अप्पू का मतलब होता है ए फॉर एगेरिकस, पी फॉर पक्सिनिया और यू फॉर ऑस्ट्रेलिगो। फिर क्लास ड्यूट्रोमाइसिटिस होती है। ड्यूट्रोमाइसिटिस का क्या मतलब होता है? यहां पर क्या चीज एब्सेंट होती है? यहां पर बेटा इसे फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। फंजाई इम्परफेक्ट है क्यों कहते हैं? क्योंकि सेक्सुअल फेज इज द सेक्सुअल फेज इन द लाइफ इज नोन एज परफेक्ट फेज ऑफ द लाइफ, और वो फेज यहां पर एब्सेंट होती है। सेक्सुअल फेज के एब्सेंट होने के कारण इसे फंजाई इम्परफेक्टाई कहा जाता है। हैबिटेट इसका भी टेस्टल पैरासिटिक होते हैं। बॉडी इसमें केवल केवल मोनोकैरियोटिक होती है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। ये केवल मोनोकैरियोटिक होते हैं बेटा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर एब्सेंट होता है। कोलिटोट्राइकम फलकेटम रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन कॉज करता है। इसकी सेक्सुअल स्टेज को ग्लोमेरुला कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। अल्टरनेरिया जो सोलेनाई होता है ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटेटो कॉज करता है, और ट्राइकोडर्मा जो होता है ये साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है जो कैल्सिन्यूरिन होता है, और ये इनिबिट करता है प्रोड्यूसर बाय द फंजाई। ट्राइकोडर्मा जो पॉलिस्पोरम होता है ना, टॉलीपोडियम इन्फ्लेटम होता है, और ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो सप्रेस करते हैं इम्यून सिस्टम को। आर्गन के ट्रांसप्लांटेशन करे साइक्लोस्पोरिन ए का यूज किया जाता है, करेक्ट। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज पर पहुंचेंगे, और नेक्स्ट पेज पर बेटा किंगडम प्लांटी को डिस्क्राइब करेंगे। एनिमेलिया वायरसेस की बात होगी इन 25 नंबर पेज पर। अब तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन यहां पर आप जो डिस्कस करोगे उसको बताना तो पड़ेगा ही। प्लांटी में किसे इंक्लूड किया जाता है? यूकैरियोट्स क्लोरोफिलस होते हैं सारे। पार्शियल हेटरोट्रॉप के नाम बताओ। इंसेक्टिवरस प्लांट। कुछ इंसेक्टिवरस प्लांट के एग्जांपल बताओ। ब्लैडर वर्ट यूट्रिकुलेरिया कहते हो, वीनस फ्लाई ट्रैप डायनिया कहते हो। पैरासिटिक प्लांट का नाम बताओ। कस्कुटा अमरबेल कहते हो, डोडर भी कहा जाता है। प्लांट सेल कैसी होती है? यूकैरियोटिक विद क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। किंगडम प्लांटी में क्या इंक्लूड करते हैं? एल्गी, ब्रायो, टेंडो, जिवनो, एनजीओ। पांच ग्रुप पढ़ते हैं। इन पांच ग्रुप को तीसरे चैप्टर में पढ़ने का मौका मिलेगा, जो बहुत लेंदी चैप्टर है। लाइफ साइकिल कैसी है? एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल कैसी है? डिप्लॉयंटिक होती है।
अल्टरनेट साउंड जनरेशन पाया जाता है अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। एनिमिलिया में न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक होता है, ये यूकैरियोट हैं, मल्टीसेलुलर हैं, इनमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। करेक्ट बेटा, एनिमिलिया में फूड किस फॉर्म में रिजर्व होता है? ग्लाइकोजन और ऑयल या फैट के फॉर्म में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमिलिया में कैसा होता है? हेटरोट्रॉफिक और होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? जो एनिमल माउथ से इंजेस्ट करते हैं उनके न्यूट्रिशन को होलोजोइक कहते हैं। एनिमलिया में ग्रोथ कैसी होती है? एनिमल में ग्रोथ एक डेफिनेट पैटर्न में होती है, निश्चित एज तक होती है, डेफिनेट ग्रोथ होती है, प्रोपोर्शनेट ग्रोथ कहलाती है। इसमें सेंसरी सिस्टम पाया जाता है जो बहुत एलिबोरेट नर्वस सिस्टम होता है। अब बेटा वायरसेस पढ़ेंगे। फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में किनको किनको प्लेस विटकर ने नहीं दिया है, तो वो कौन है? वायरसेस हैं, प्रियॉन्स हैं, वायरवाइड्स हैं और लाइकेन। इन चारों को इन्होंने कोई जगह नहीं दी है। इनमें से ए सेलुलर किसे कहा गया है? ए सेलुलर किसे कहते हैं? लाइकेन को छोड़कर तीनों को ए सेलुलर कहते हैं। इनमें से लाइकेन को छोड़कर तीनों को ए सेलुलर कहते हैं। कॉमन कोल्ड या फ्लू किसके कारण होता है? वायरसेस। ऐसे वायरसेस को क्या कहा जाता है? ऐसे वायरसेस को राइनो वायरसेस कहते हैं। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, ऐसे वायरसेस को राइनो वायरसेस कहते हैं। इनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। चामड़ी, वेरी गुड। नेपेंथीस, पिचर प्लांट कहते हैं नेपेंथीस को बेटा। नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किन में प्रेजेंट होता है? वायरसेस। आंसर आपको लगाना है। पेज नंबर 26 पर आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं। मैं फिर वही बात कहूंगा, मैं यहां पर केवल यह डिस्कस कर रहा हूं कि किस पेज से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, कौन सा पेज कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके कौन सा पेज कितना महत्वपूर्ण है यह मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं। करेक्ट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगले पेज से आने वाला है वो ये है। पहला क्वेश्चन है, नेम वायरस किसने दिया? वायरस नेम किसने दिया? अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो वायरस नेम किसने दिया, तो आप क्या कहने वाले हो? वायरस नेम किसने दिया? वायरस नेम किसने दिया, तो आप क्या बताएंगे बेटा? वायरस नेम गिवन बाय पॉस्चर। वायरस किसने खोजा सबसे पहले? इवानोवस्की। किसने खोजा? टोबैको में। किसने खोजा बेटा? टोबैको में। एमडब्ल्यू बेजरिन ने क्या देखा, क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया? इन्होंने इन्फेक्टेड प्लांट के रस को हेल्दी प्लांट में डाला, हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्टेड हो गया। इन्फेक्टेड प्लांट के रस को हेल्दी प्लांट में डाला, हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्टेड हो गया। इसीलिए इन्होंने कहा है कंटेजियम वाइवम फ्लूडम। क्रिस्टल किसने तैयार किए? जल्दी बोलो बेटा। डब्ल्यू एम स्टैनले ने। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? स्टैनले को। रेबीज किसके द्वारा होता है? वायरस। वायरस का साइज कैसा है बेटा? बैक्टीरिया से छोटा या बैक्टीरिया से बड़ा? बैक्टीरिया से छोटा। कंटेजियम वाइवम फ्लूडम किसने कहा था? बेजरिंग ने कहा था। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड को कहा था। वायरसेस बेटा किस प्रकार के पैरासाइट होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी होस्ट में रहेंगे तो पैरासाइट रहेंगे, होस्ट के बाहर रहेंगे तो नॉन लिविंग रहेंगे। होस्ट में रहेंगे तो पैरासाइट होंगे, होस्ट से बाहर रहेंगे तो नॉन लिविंग होंगे। वायरस के करेक्टर में इनर्ट रहते हैं आउटसाइड द सेल्स,
न्यूक्लियो प्रोटीन्स के बने होते हैं, इसमें जेनेटिक मटेरियल कौन सा प्रेजेंट होता है, आरएनए या डीएनए या दोनों प्रेजेंट होते हैं? इसमें जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं? ऐसे वायरस जो डीएनए को, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये हमेशा सही नहीं है, समझे? बैक्टीरियोफेज में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कहा जाए लैम्डा बैक्टीरियोफेजेस में क्या प्रेजेंट होते हैं, 5 × 174 बैक्टीरियोफेजेस में क्या प्रेजेंट होते हैं, है ना? लैम्डा बैक्टीरियोफेजेस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, 5 × 174 में क्या चीज प्रेजेंट होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। क्यूबी बैक्टीरियोफेज होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। ये तीनों एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी के जेनेटिक्स में है, तीनों पॉइंट करेक्ट बेटा। फिर बेटा प्रोटीन कोड को क्या कहते हो, कैप्सिड कहते हो। कैप्सिड की यूनिट को क्या कहते हो, कैप्सोमेयर कहते हो। कैप्सोमेयर का शेप कैसा हो सकता है, जब यह बात करोगे तो हेलिकल भी हो सकता है, पॉलीहेड्रल भी हो सकता है, या और भी कई फॉर्म के हो सकते हैं। स्फेरिकल हो सकता है, रॉड शेप्ड हो सकता है, ब्रिक शेप्ड हो सकते हैं, मंप, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा किन में प्रेजेंट होते हो, किसके द्वारा होते हैं, ये सभी ह्यूमन की पाई होने वाली डिजीज होते हैं, एंड ऑल द डिजीज होते हैं ड्यू टू वायरसेस। क्वेश्चन यही कहते हैं कि सिम्टम्स जो कॉज होते हैं वायरसेस के द्वारा, वो कौन से हो सकते हैं प्लांट में, मोज़ेक, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, एलोइंग ऑफ द वेन क्लियरिंग और डॉर्फिंग स्टंट ऑफ द प्लांट ग्रोथ। ये सब वायरसेस के सिम्टम हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं बेटा। पेज नंबर नेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे तो पेज नंबर 27 पर भी फिर से 7 क्वेश्चन हमारे पास है। पेज नंबर 27 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। 7 क्वेश्चन बहुत माने रखते हैं, ध्यान रखिएगा, किसी एक पेज से 7 क्वेश्चन अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम इस 7 क्वेश्चन में क्या है, वायरॉइड, प्रियॉन्स और लाइकेन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, वायरॉइड को किसने खोजा है, तो वायरॉइड को खोजने वाले कौन है बेटा, टियो डेनर। कब खोजा है, 1971 में। वायरॉइड किसके बने होते हैं, आरएनए के। कैसा आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। क्या इसमें प्रोटीन कवरिंग होती है, नहीं। वायरॉइड क्या कॉज करते हैं, एसपीटीडी, पीएसटीडी कहते हैं। पीएसटीडी कहां लिखा है, नहीं लिखा, हां ये लिखा है पीएसटीडी। पर्टोस्पोरल ट्यूबर डिजीज कौन कॉज करता है, वायरॉइड। कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है, लो। तो वायरॉइड में केवल आरएनए प्रेजेंट होता है, जब से उससे छोटे और खोजे गए हैं नए इंफेक्शियस एजेंट जिन्हें प्रियॉन्स कहते हैं, वो केवल कॉइल्ड प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीनियस इंफेक्शियस पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये दो डिजीज कॉज करते हैं, बोवाइन स्पंजी फॉर्म इंसेफेलोपैथी जिसे बीएससी कहते हैं, मैड काउ डिजीज कैटल में कॉज करता है, और क्रेब जकर डिजीज जिसे सीजेडी कहते हैं, ये ह्यूमन में भी उसी तरह से पागलपन वाली डिजीज कॉज करते हैं। प्रियॉन्स के ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से, मैं जहां तक निशान लगाने वाला हूं, ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा जाना है प्रियॉन्स में। मैं ऐसा गेस कर रहा हूं कि शायद इसे क्वेश्चन इस बार आपका पूछा जाए। द लास्ट और नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसका, लाइकेन किसे कहते हैं। ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई का। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोंट कहते हैं, फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोंट्स कहा जाता है।
एल्गल कंपोनेंट ऑटोट्रॉफिक ग्रीन फोटोसिंथेटिक होता है, फंगल कंपोनेंट हेटरोट्रॉफिक नॉन ग्रीन होता है, वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन के साथ साथ एल्गी को शेल्टर भी देता है। फंगल कंपोनेंट एल्गी से फूड लेता है और दो चीजें देता है, वाटर मिनरल के साथ साथ रहने की जगह। करेक्ट बेटा। लाइकेन स्लो ग्रोइंग होते हैं, लॉन्ग लिव्ड होते हैं, पाइनियर ऑफ वेजिटेशन होते हैं और एयर पॉल्यूशन के लिए इंडिकेटर होते हैं। लाइकेन स्लो ग्रोइंग होते हैं लेकिन लॉन्ग लिव्ड होते हैं बेटा, स्लो ग्रोइंग होते हैं इन लॉन्ग लिव्ड होते हैं, स्लो ग्रोइंग होते हैं लॉन्ग लिव्ड होते हैं, स्लो ग्रोइंग होते हैं लॉन्ग लिव्ड होते हैं। ये नहीं ग्रो करते हैं जहां एरिया पॉल्यूटेड होती है। लेकिन अलॉन्ग विद द मॉस पाइनियर ऑफ द वेजिटेशन कहलाते हैं। लिथोशियर चट्टानों पर जहां पर सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है वहां पर लाइकन ग्रो करता है, इसीलिए से पाइनियर ऑफ वेजिटेशन के नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर खत्म हो गया है। हम लोग श्री गणेश करते हैं, उसके बाद समाप्त भी करते हैं। लाइकन खत्म हो गया, मेरा दूसरा चैप्टर खत्म हो गया। कितना समय बीता इसके लिए? 2 घंटे 11 मिनट में दो चैप्टर फिनिश हुए हैं। कल बेटा 2 घंटे में हम 2 चैप्टर और फिनिश करेंगे, दोपहर में या फिर शाम को हम आपके साथ आएंगे। ओके बेटा, शाम को 7 बजे रखो। धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ो। ओके, थैंक यू।